नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। टैक्सी, ए टैक्सी। हाँ सब। कुलाबा जाएगा? हाँ जाएगा ना। तो जा ना, मलाड में क्या कर रहा है ये? तेरी तो बॉम्बे सेंट्रल जाएगा? नहीं। हाँ हाँ अरे खटिया कड़ी है बिस्तर गोल, अरे फट गए जूते किस गए सोल, फट गए जूते किस गए सोल, फट गए जूते किस गए सोल, एक खटिया कड़ी है बिस्तर गोल, फट गए जूते किस गए सोल, टूटी फूटी किस्मत मौला लगा के बेबी कौन तू जोड़ 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 मौला जोड़ 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 मौला जैसी शोहरत दे दे अंबानी सी दौलत दे दे हाय सचिन के जैसी शोहरत दे दे अंबानी सी दौलत दे दे तेरे हाथ सब कुछ मौला मौला मेरी भी कर दे झोल जोड़ जोड़ मौला जोड़ जोड़ रुको। कितना हुआ भैया? 300 रुपया। ये लो। सुबह सुबह सर का झूठा कहाँ से लाएंगे? अरे पूरा रख लो, मेरा बम्पर डॉल लगा है समझो, आपका भी लग गया। जी है? Yes, madam. उन्हें बोलो कि न्यूज़ चैनल वाले आए हैं। अरे ये याद है। हेलो हेलो। लाइट्स एंड एक्शन। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। तो आइए मिलते हैं 15 अगस्त के स्पेशल एपिसोड सिटीजन ऑफ इंडिया के सीनियर सिटीजन से, जो हमारे साथ हैं इस वक्त, जो स्पेशल हैं। मिस्टर पेस्टनजी मेहरवानजी बाटली वाला। आज जहाँ इस मतलबी दुनिया में लोग अपने भी पराये हो जाते हैं, रिश्तों को भुला बैठते हैं, वही आपने पराये लोगों को न सिर्फ अपनाया बल्कि उनको अपनी दौलत का अच्छा खासा बड़ा हिस्सा उनमें बांट दिया,
इस उदारता की कहानी आपकी जुबानी हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। ये कहानी नहीं है, हकीकत है। एक ऐसा सच जो हर रोज किसी न किसी पेस्तनजी और फारूक शेख जैसे लोगों के साथ होता रहता है। हमारे साथ भी हुआ है। जब हमारी मुंबई में बारिश का पहला दिन था, मतलब कहीं कहीं पानी कहीं कहीं धूप, वैसे ही ये स्टोरी था, कहीं कहीं दुख और कहीं कहीं खुशी। और इस स्टोरी का हीरो फारूक टैक्सी, अपना टैक्सी लेके उस दिन रेलवे स्टेशन आया और प्रॉब्लम चालू हो गया। हाँ हेलो, हाँ बोल चब्बो। हाँ कितना हुआ भाई? क्या घर छोड़ जा रहे लिए? जातरी माँ का नाका, मैं भी नहीं आऊंगा तेरे को लेने के लिए। फिर टसुए बहाते हुए वापस मत आना मेरे पास। ओ भाई, ये रुकना भाई यार, बीबी दिमाग का झोपड़ा कर रही है, ऊपर से तेरे को जल्दी है यार। कहाँ फंस गया यार? शब्बो तू ठंडे टाइम जो हटा रही ना मेरी है? शब्बो हेलो, अरे किसने ये डिब्बा बनाया? इसकी बहन का पति पत्री। हाँ बोल बोल भाई, क्या प्रॉब्लम है तेरी है? जिसको तोड़ना चाहिए उसको नहीं तोड़ता है, मोबाइल तोड़ता है। पकड़ पैसे ले। ये रुक, तेरी माँ का नाका तेरे को तोड़ के दिखाऊं क्या? भाषण दे रहे ले साला, इसकी हड्डी पसली जोड़ दे भाई। हाँ क्या? अरे इसकी तो मैयत निकल गई है फारूक भाई। मैयत? ए फारूक क्या ले जरा। अरे इसकी माँ का नाका, इसको फिर 50 रुपया देना पड़ेगा। आया डार्लिंग, बैठ डार्लिंग के बच्चा, इधर आया। अरे बच्चों से दुश्मनी क्या डार्लिंग? नमस्कार। बोला साहब, टैक्सी हटा यहाँ से, नहीं तो चालान काटू क्या? अरे क्या भूल गए? 50 रुपए रात में दिए थे, भूल गए आप? अरे रात गई बात गई, चल टैक्सी हटा यहाँ से, नो पार्किंग है ये। चल निकल। बराबर। ए टैक्सी तू भी हटा, चल। इसकी माँ का भोला चेहरा, साले खाते हैं आके भूल भी जाते हैं। तेरी तो इसके खिलाफ मोमबत्ती जलानी पड़ेगी। दिमाग खराब मलाट चलेगा? अरे चलेगा क्या, दौड़ेगा? आओ बैठो 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 बैठो, चल बैठो बैठो। या अल्लाह, भर दे फारूक का गल्ला। चलो चलो चलो, 50 का लोबान जला था, 500 का काम हो गया। ये विलियम बीसी और वीजा का काम करने वाला, इसकी ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट इसका 10 लाख रुपया लेके भाग गई थी। और ये गधेरा टैक्सी में बैठने से 5 मिनट पहले उस लड़की को ढूंढते हुए रेलवे स्टेशन पहुंचा। हेलो, हाँ टोपी भाई, विलियम बोलता है रे। अबे बोलना है तो पूरा बोल। अकबर टोपी। ये अकबर टोपी भिंडी बाजार का रहने वाला, इस इडियट की वजह से इस स्टोरी में गड़बड़ हुआ। पहले बता क्या हुआ तेरे उस ऑफिस वाले डॉग का, स्टेशन पे मिलेगी नहीं? अरे दिल्ली की ट्रेन जा चुकी है, मैं खाली 15 मिनट लेट हो गया हूँ। अच्छा सुन भाई, साइड देना भाई। क्या है ना अकबर, अगर शर्मिला नहीं मिली तो मेरी बैंड बच जाएगी। प्लीज तू कुछ रास्ता बता, मैं करूँ क्या? अबे मेरे से पूछ के तूने ऑफिस वाली डाव के साथ 24-26 किया था? हैं? बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है, धंधे में दोस्ती नहीं करने का, 44 लग जाते हैं, तेरे लग गए। अच्छा पैसे किसके थे पता? बीसी और वीजा वालों के हैं। हैं? अभी सभी मेरी जान खाएंगे। तेरे पास और है कुछ खिलाने के लिए? ठीक है आगे का प्रोग्राम बता, ऑफिस वापस आ रहा है या स्टेशन से सीधा गांव भाग रहा है? अरे मैं चीटर नहीं हूँ अकबर, जो भाग जाऊंगा। तू मेरी नागपाड़ा वाले ऑफिस में जा और देख वहाँ क्या चल रहा है। ठीक है जाता मैं तेरे ऑफिस, ज्यादा मचमच दिखी तो भागता है वापिस। चल खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या करूं यार, अच्छा फंसा शर्मिला ने। काट ओ सेट, एक कटिंग दो ना। ये कौन है? वहां जाके बैठ। जगह नहीं है भैया जी। वो जगह खाली है। अरे उधर जाना, उधर जाके बैठ। सिर्फ चाय पियेंगे भैया जी, फिर चले जाएंगे। समझ में नहीं आता तेरे को? अब जा रहे लाए या एक और बजाऊं? चल भाग। ये हटना में बीच में कहां आ गया खजूर? ये सुंदरलाल आज का डेट में गॉड ऐसा नमूना पैदा करता है, इसको मिलने के बाद पता चला विलियम से मार खाने के पहले 2 बार थप्पड़ खा चुका था वो।
चले, हॉर्न नहीं सुनाई दे रहा क्या? हट आगे से। भैया जी नमस्ते, हमारा नाम सुंदरलाल, गांव कचोली, जिला गोरखपुर। तो मैं क्या करूं? भैया जी नौकरी मिलेगा? एक और आ गया, नौकरी? जी सिर्फ 2 महीना के लिए, फिर हम गांव वापस चले जाएंगे। बस सिर्फ 2 महीने के लिए चाहिए? जी पैसा भी ज्यादा नहीं चाहिए, 2 महीने का 25,000 रुपया बस। 25,000 रुपये? 2 महीने का 25,000, 1 महीने का 12,500 रुपया हो गया। शायद उतना होता है। तो फिर ये भी बता दे भाई, तू काम क्या करेगा? कोई भी काम, झाड़ू कटका, कपड़ा धोना, कोई भी काम करूँगा। झाड़ू कटका पोछा? जी 12,500 रुपये महीना? अबे जी के बच्चे, इतना तो अम्मा नहीं मिनी देगा। अब काम मार खाने वाला करेगा तो मार ही खाएगा ना। मैं पब्लिक लोगों को बाहर गांव भेजता हूँ, ये मेरा कार्ड है। भाई मैं तेरे पास कस्टमर लोग भेजेगा? लोगों को सुनाई नहीं देता क्या रे? ले टेंशन पे टेंशन। अरे चलो तू जा रहा है साइड में झगड़े करो, चल ये तेरी टैक्सी पीछे ले चल। अरे चल रे साहब, लाइन में क्यों खड़े हो? हटाओ ना सबको। अरे तू निकल अपना काम कर, टैक्सी हटा पहले चल। अरे हटाएं क्या पहले इनको सबको? खाली निकल यहां से निकल। साला रात को 50 रुपए के लिए केचुआ बना रहता है और सुबह एनाकोंडा बन जाता है। हाँ भाई क्या क्या चाहिए तुझे? भैया जी हमें नौकरी चाहिए। अरे अरे यार, यहाँ सड़क पर भीख मिल जाती है, छोकरी मिल जाती, नौकरी वोकरी नहीं मिलती। ले भाई इसे। भैया जी हमें भीख नहीं चाहिए। भीख नहीं दे रहा हूँ, दे मदद कर रहा हूँ। यहाँ पर एक टैक्सी वाला तेरी क्या मदद कर सकता है? 50 रुपए से ज्यादा औकात नहीं है, रख ले इसे तू। भैया तुझे भी नौकरी चाहिए? इसकी माँ का ना का, ये तुम लोगों का कोई गैंग बैंग तो नहीं है? बे मतलब साला एक को दिया तो दूसरा आ गया। भैया मैंने कहा टैक्सी आपकी है। नहीं नहीं तेरे बाप की है, खरीदेगा? भैया मैंने कहा मुझे अंधेरी उड़ जाना है, चलोगे? ये कौन सी जगह है बे? भैया जी हम तो यहाँ नए शहर में बता जाने। ये कौन सी जगह है बे? अंधेरी पू। एक मिनट, पू हाँ? पू के आगे वो और वो के ऊपर उल्टी डंडी का मात्रा। चुप, स्पीड ब्रेकर साले, एक ऊपर पू फिर डंडी फिर मल्टी फिर कल्टी फिर मात्रा, क्या समझा रहा है भैया जी? अरे तू रखना यार, एक आदमी से तो निपटने दे मुझे। आराम से समझाए, अंधेरी पुल कहाँ है? ये अंधेरी ईस्ट की बात कर रहा है। अंग्रेजी में ईस्ट और ऐसे बोलना। इसको अंधेरी ईस्ट जाने का है, पहले ब्लू शर्ट को मलाड छोड़ूंगा, फिर इसे अंधेरी ईस्ट छोड़ूंगा, यानी 500-600 की कमाई, यानी खत्म लड़ाई, बीबी को सीधे ले जाऊंगा सिनेमा हॉल। चल तू टैक्सी में बैठ, देख पहले ब्लू शर्ट को मलाड छोड़ने का है, उसके बाद तुझे अंधेरी छोड़ूंगा, ठीक? टाइम तो नहीं लगेगा? नहीं नहीं, फुट फुट दूसरी टैक्सी पकड़ ले ना। वैसे अंधेरी तक यहाँ से जाने में तुझसे 300-350 रुपये आदमी ले लेगा, मैं तुझसे 250 लेता हूँ, तेरी मर्जी, बैठना हो बैठ, नहीं तो फूट ले, दूसरी टैक्सी पकड़ ले। ठीक है भैया, चल चल बैठ 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 टैक्सी में। भैया तू रखना मेरे भाया, 50 रुपया दिया, 500 का भाड़ा मिला, तू कल भी मिलना। भैया इसमें क्या लिखा है? अरे यहाँ नौकरी दी जाती है, देश विदेशों में भेजा जाता है, जा जा तुझे नौकरी मिल जाएगी। हाँ? जा संभालूं सारे बाबा। ये वामन डब्बा वाला, उस दिन इसको विलियम को डब्बा देने का था और डब्बे का पैसा भी लेने का था, ये भी इस स्टोरी का एक टेंशन देने वाला सफरचन इडियट साबित हुआ। अरे देवा रे देवा, काय पाउस पछे बंद है मालूम है, तभी तो घंटी मारता है, ताला लगा है। अरे चिचा विलियम भाऊ अभी तक ऑफिस से आया नहीं लगता है।
डरने के लिए किसने बोला? देखा, किसी ने खा लिया ना, तेरे को बताया था। अब निकल, निकल यहाँ से। तेरे को तो इस महीने का पैसा नहीं मिलेगा। निकल। इच्छा मायला, ये भूकर पूरा टिफिन खा जाएगा। अरे बाबा उठा ले। विलियम का रिक्वेस्ट पर अकबर टोपी विलियम का ऑफिस गया और ऑफिस से मालूम पड़ा कि वीजा और बीसी वाला कस्टमर विलियम को ऑफिस में नहीं देख के उसकी अगेंस्ट फ्रॉड का केस रजिस्टर करने के वास्ते नागपाड़ा पुलिस स्टेशन गया होता तो ये स्टूपिड भी पुलिस स्टेशन गया। अगर नहीं जाता तो ये स्टोरी नहीं बनती। आगे होगा भाई, यहाँ पर बारिश हो रही है। हाँ, अब अपने घर पे वहाँ पर क्यों नहीं हो रही है, मैं कैसे बताऊँ? अब जल्दी से बोल किस लिए फोन किया तूने, मेन बात पे आ जा। देख मैंने कैसे पहचाना तूने बिजी के पैसे के लिए फोन किया है। नहीं 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 नहीं, टेंशन मत ले। मैं 3 बजे हावड़े छुट्टी लेके जाता हूँ, बिजी का पैसा लेके आता हूँ। शाम को हम मस्त में की दागिना खरीदने जाएंगे। हाँ रख, अब रख, हमने बोला ना। काय परब, बाइको साठी दाग दागिने, लगता है आज तुम्हारा बीसी का नंबर है। सर एक्चुअली ये कोमल बाई विलियम के फ्रॉड केस की विक्टिम, बाद में विलियम इसकी लालच का विक्टिम बना, बेवकूफ गड्ढा। गरीब औरत हूँ साहब, साहब मैं लोगों के घर में झाड़ू बर्तन पोछा करने का काम करती है साहब। साहब मैं अपने औरत को बाहर गाँव भेजना चाहती थी साहब। साहब एक एक पैसा जमा किया, एक एक पैसा जमा किया मैंने साहब, वो सारा पैसा उठाकर एक आदमी को दे दिया जो लोगों को बाहर गाँव भेजता है साहब। बना सुबह साहब, बना सुबह वो आदमी मेरा पैसा लेकर, इन सब का पैसा लेकर भाग गया साहब। क्या हुआ? हम सब का पैसा लेकर भाग गया साहब। क्या नाम क्या था आदमी का? विलियम वीजा वाला। विलियम वीजा वाला? हाँ साहब। वो लंबे बाल वाला? हो साहब। वो जो बीसी चलाता है वो? हो साहब। जो माला डालेम के पास रहता है वो? हो साहब। जिसका ऑफिस यहाँ नागपाड़ा में वो? हो साहब। भाग गया? हाँ भाग गया साहब। पैसा लेके? हाँ साहब। क्या हुआ? अरे देखो पैसा कहाँ चले साहब। मिलियो पैसा वाने दो, जाओ पानी लेके। अरे साहब को बुलाओ। अरे साहब ना, क्या चल पानी। अरे इसको क्या हुआ साहब? कौन कहता है पुलिस वाले को गरीबों का दर्द का एहसास नहीं होता साहब? साहब हमारा दर्द सुनकर साहब के सीने में दर्द होने लगा साहब। अरे इसने विलियम की बीसी में सबसे बोली ज्यादा लगाई थी। हा? आज इसका बीसी का नंबर था, बहुत पैसा मिलने वाला था, अभी गया, सब पैसा गया। अभी इसकी बीवी इसको छोड़ेगी नहीं। अरे दीवा करो की का ये गाड़ी कर रहे। पुअर फेलो, इंस्पेक्टर परब फालतू में हार्ट का पेशेंट बन गया और ऊपर से इस हार्ट पेशेंट का पेशेंस की वाट लगाने के लिए अकबर टोपी बारिश का मेंढक मतलब देड़का की माफी उछलते उछलते और कूटते कूटते आ गया। सलाम साहब। कौन है तू? साहब अपन अकबर टोपी भिंडी बाजार में रहता है। तो मैं क्या करूं? साहब मैं विलियम का दोस्त है। हा? तुझा आईला सड़ों के गए, पहले इसको अंदर डाल। सब साहब साहब तुम देखो मेरी बात सुनो। साहब देखो मैं खाली उसका दोस्त है, बाकी उसका ये चीटिंग का धंधा से मेरा कोई लेना देना नहीं है, अल्लाह कसम। तेरे को कैसे मालूम कि उसने चीटिंग किया है? मतलब तू उसके चीटिंग के बारे में जानता है बराबर? तो तू साले ये भी जानता होगा कि विलियम अभी कहाँ है। अगर इनको पता चला कि मैं उस हरामखोर चमड़ीवाज विलियम के टच में हूँ और उसी के कहने पे यहाँ आया हूँ, तो ये पुलिस वाला मुझे नागपाड़ा से भिंडी बाजार तक नंगा दौड़ाएगा। मुझे नहीं पता ऐसा, मां कसम नहीं मालूम। नहीं चल फोन मार। किसको? तेरे बाप को। अरे मेरे बाप को काय को साहब, अरे मेरा बाप तो खुद वांटेड है पब्लिक को टोपा पहना के। साहब मेरे खुद के 2000 निकलते हैं उस पे। अगर इसने विलियम को फोन किया तो विलियम बता देगा कि मैं ही इसका आदमी हूँ, तो फिर ये पिंडी बाजार तक नहीं डोंगरी 4 नल तक नंगा करके दौड़ाएगा।
अरे साहब अब कहीं को पैसा वेस्ट करेगा उस भूतिए पे, मैं फोन करता है साहब। हेलो, हाँ भाई विलियम, अकबर टोपी बोल रहा हूँ। अबे भूतिए, क्या नाटक कर रही तेरा? पता अभी तेरी वजह से चौकी मुझे कितना बात सुनने को मिल रहा है, हैं? हेलो, हेलो, अबे सुना क्या भूतिए? टोपी, तेरी घंटी बज रही है। असब, तेरा फोन बज रहा है। अगर भाई, उस चिटर का दोस्त भी चिटर। बज रहा है सब, बज रहा है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फोन है, इसमें क्या है ना, वो जो सेकंड लाइन का घंटी है ना, वो अंदर से भी सुनाई देता और बाहर से भी सुनाई देता। अच्छा, कमाल है, मेरा भी बाहर से सुनाई देता है। क्या थप्पड़ खुद से समझ रहे मुझे तू? इसमें समझने का क्या है? नहीं, मैं कहने का मतलब है साहब, मुझे समझना ही नहीं है, मैं समझना चाहता ही नहीं हूँ। देखो साहब, ऐसा वो भूतिया विलियम ना वांटेड नहीं हुआ है, मेरी मानो, उसका एक घर है, उसको गिरवी रखवा और अपना पैसा वापस ले लो। अरे जो मेरा पैसे लेके भाग गया उसका क्या? वही पैसा लाने को बोल, घर को काय को गिरवी रखने का? वही पैसा चाहिए ना? हाँ। नहीं मिलेगा। काय को? वो विलियम है ना, उसके साथ कुछ झोल हुआ है। झोल? हाँ, उसके ऑफिस में एक लड़की काम करती थी, वो सारा पैसा लेके वंटास हो गई। भाई देखो साहब, ऐसा है, मैं बोलता हूँ आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, विलियम का घर गिरवी रखवाओ और अपना पैसा ले लो। तो भी साला बराबर बोल रहे थे सालोंगे, चाय पिला। अरे छोड़ो ना साहब, इतनी छोटी सी बात के लिए चाय वाय क्या? तेरे लिए नहीं, मेरे लिए मंगवा रहा हूँ। हेलो, हाँ विलियम। सुंदरलाल नौकरी का चक्कर में विलियम का ऑफिस की तरफ गया। इधर वामन डब्बा वाला अपना मंथली लंच बॉक्स का पैसा लेने के वास्ते विलियम का घर पे वापस आके बैठ गया। और इन सबसे दूर विलियम पहुंच गया नागपाड़ा पुलिस स्टेशन। माँ का ना का मलाड बोला था नागपाड़ा पुलिस स्टेशन लेके आ गया। कुछ तो लोचा लग रहा है भाई, भीगना पड़ेगा। और अब साहब, मैं आज शाम तक घर को गिरवी रख के बीसी और वीजा का करवा दूंगा। स्वेयर ऑन गॉड, प्लीज ट्रस्ट मी। साहब आइका ना, मेरे को वीजा नहीं चाहिए, मेरे को पैसा ही चाहिए बस। तो अब सुन विलियम, तू अपना घर बेच या गिरवी रख, लेकिन हम सबका पैसा वापस कर। ओके परम साहब, जैसा आप बोलो। ये ब्लू शर्ट वाले घर गिरवी रखने क्यों बोल रहे हैं? चलाने का, दोपहर 3 और 4 बजे के बीच इसके घर जाना और अपना अपना पैसा वापस लेके आना। निगा? हो साहब। जा। ए विलियम, चल मिलती हूँ मैं शाम को। हाँ? ठीक है। चल। ए विलियम, चल। चल रहा हूँ साहब। देव पावला। ए सुन। नाम क्या तेरा? ए जारे फावड़े। तेरे बाप का नाम नहीं पूछ रहा मेरी जान। दुस्तान। इरशाद भाई। हाँ भाई। क्या मस्त लड़की छेड़े ले हो भाई। अरे यार छेड़ता तो अपन सबको है, साली कोई पढ़ते इच नहीं। यही बोलने के लिए तू बुलाया मेरे को? नहीं, 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 नहीं। भाई वो इंस्पेक्टर ना ब्लू शर्ट वाले का घर गिरवी रख रहेला है, लोचा क्या है? तेरा भी कुछ पैसा निकलता है क्या? किस पे? अरे वही विलियम पे, ब्लू शर्ट वाले पे। हाँ, भाड़े का पैसा निकलता है ना भाई। ऐसा कर, शाम को उसके घर चले जा। हाँ। वो सबका पैसा दे रहा है, तेरा भी दे देगा। भाड़े के लिए घर जाना पड़ेगा। और कुछ पूछना है? नहीं नहीं नहीं, चले। भाई भाई, पैसा लेते चलो। तूने ये तो बताया नहीं कि ब्लू शर्ट वाले विलियम ने लोचा क्या किया है। 10 लाख का टोपा किया है। 10 लाख का टोपा दे डाला? वो क्या है, अपना विलियम जो है ना, वैसे तो सीधा साधा आदमी है, उसके थोबड़े पे मत जाना। थोबड़े से तो वो अपना पॉकेट मार और चोर लगता है, पर है नहीं वो। क्या है, वो थोड़ा चमड़ीबाज है। तो उसके ऑफिस में अपना जो हिसाब किताब काम करने वाली लड़की है ना, तो उसके साथ बिस्तर में 24-26 कर डाला। 24-26 समझता है ना? शादीशुदा है नहीं। तो क्या है ना, कल रात को भी उसके साथ बिस्तर में 24-26 किया, तो लड़की ने उसकी शराब में नशीली दवा मिला दिया। अब 10
लाख लेके वांटेड हो गए। उसके हाथ क्या लगा? लड़की का लेटर। सॉरी विलियम, मैं ये 10 लाख लेकर जा रही हूँ। या अल्लाह, ये बेचारा खाली पीली में फंस गया। हाँ ये तो है, अब इसी वाले वीजा वाले इससे अपना पैसा मांग रहे हैं। कहाँ से देगा, सारे पैसे तो 24-26 वाली लेके भाग गई। हाय रे 24-26, या अल्लाह, लगता है अपन को कुछ करना पड़ेगा। ए भाई ए भाई ए, तू दूसरे के फटे में काय को टांग अड़ा रहा है यार। अरे अपन तो पैदा ही चुआ है दूसरे के फटे में टांग अड़ाने के लिए। अपन कौन? मुंबई कर, सबका भला कर। इस गरीब को ले जाना पड़ेगा मेरे बाबा माहिम बाबा के पास, वही उस लड़की का पता बता सकते हैं। माहिम बाबा, यू मीन मखदूम शाह बाबा की दरगाह? अरे अपना फारूक मखदूम शाह बाबा की दरगाह के ऊपर विलियम को लेके जाता था ना, तो 100% उसका पनौती दूर होने का चांसेस था। लेकिन वो कोई तांत्रिक बाबा के पास लेके गया, बेवकूफ गद्दा की दरगाह। हट। कौन सा बाबा? काली बाबा। सुपरस्टिशियस मतलब वहमीले लोगों का मानना था कि ये बाबा जिसको भी गंदा गंदा गाली देता था ना, वो लोगों का प्रॉब्लम दूर हो जाता था। आफ्टर ऑल दिस इज अवर इंडिया। तेरे बाबा की गाली के चक्कर में रो रही? क्या हुआ आपा? फायदा है, क्यों रो रही हो? अरे देखो ना साजिद भाई, बाबा ने एक भी गाली नहीं दी। गाली नहीं मिली इसलिए रो रही। अगर 2-4 गाली दे देते तो बाबा का क्या चला जाता? अरे ये नास पीटा कम से कम 10वीं में पास तो हो जाता। अरे ये कमीने ने साल भर पढ़ाई नहीं की, अगर थोड़ा पढ़ा होता तो कम से कम पास तो हो जाता। अब तो बाबा ने भी गाली नहीं दी, अब तो फेल होने से कोई नहीं बचाएगा। चल सुना सुना, लड़के ने पढ़ाई नहीं की इसलिए गाली बाबा को मालूम पड़कर गाली नहीं दी, क्योंकि जानता है गाली देने के बाद घंटा पास होने वाला है। तेरे बाबा पब्लिक को देख के पूरी बनता है दोस्त। एक दिन बाबा को बचपन में बाबा के बाप ने बीड़ी पीते हुए देख लिया, घर ले गया, दे तुड़ाई, बाबा को भी आ गया गुस्सा, एकदम मुंह फूट अपने बाप बाप को ही माँ बहन गाली दे डाली। अपने बाप को गाली? और क्या झटका नंद। दूसरे दिन बाबा के बाप की 1,000 रुपए की लॉटरी लग गई। आप बोल, इस शहर में हर रोज किसी न किसी को लॉटरी लगती है, क्योंकि लॉटरी खेलने वाला हर रोज घर वाले की गाली खाता रहता है। तो क्या मेरे भाई घर वाले भी बाबा की तरह चमत्कारी हो गए? अरे इसे समझ। ए भाई तुम्हें बाबा के चमत्कार भरोसा नहीं है? चलो वापस चलो, मेरे पास कोई टाइम नहीं, मुझे और भी काम है। वैसे ही मेरी बीबी सुबह सुबह घर छोड़ के चली गई है, उसको वापस मना के लाना है। चलिए देख क्या रहेगा। चल। तू क्यों मुझे इतना फोर्स कर रहा है? कहीं बाबा के साथ कमीशन की सेटिंग तो नहीं है? मर गए। ये भाई यहां तक का टैक्सी भाड़ा निकाल और दूसरी टैक्सी पकड़, अपना रास्ता नाप, अपनी जर्नी ओवर। अरे अरे सॉरी बोला ना प्लीज। अरे हटो यार। अरे सॉरी बोला ना फारूक भाई, सॉरी बोला ना प्लीज। फारूक भाई घंटा सॉरी प्लीज। सुबह किस्मत फटी पड़ी है, बीबी झगड़ा करके घर छोड़ के चली गई, ऊपर से मोबाइल टूट गया, तीसरे बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ, ऊपर सुबह से तू मिल गया। तेरा टेंशन देखा तो सोचा कर भला तो हो भला, ये मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, तू मेरे पे शक कर रही ले। अरे रो मत, अरे रो मत, अरे रो मत यार, चप्पल मार ले मेरे सर पे। अरे रो मत। वो जूता पहना हूँ नहीं तो अपने सर को तोड़ डालता, तुम्हारे जैसे उठाई गेरों को जब टैक्सिंग बिठाऊंगा तो यही करूंगा ना। अरे रो मत मेरे भाई, रो मत, चल चल गाली बाबा के पास चल। मान गया, शक तो नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। चलो चल। बाबा 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 बाबा, इसकी गर्लफ्रेंड भाग गई है, कोई पता बता दो, कहीं का भी पता बता दो। तो लड़की दिल्ली की रहने वाली है बरोबर? बाबा बाबा देखा बाबा का कमाल, पैर पड़ो पैर पड़ो पैर पड़ो जल्दी से, तुम अंधेरीपुर के बाप, तुम्हें क्या अलग से एसएमएस करने भेजना पड़ेगा? सीधा भाई। फारूक भाई वैसे तो मैंने बाहर ही इस भाई को बता दिया था कि वो दिल्ली की। तो तेरा मतलब ये है कि इसने मुझे अंदर आके पहले ही बता दिया था कि लड़की दिल्ली की रहने वाली है? नहीं नहीं, तेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे कुछ आता जाता नहीं है, मैं यूं ही बाबा बनके यहाँ लोगों को फूतिया बनाने की दुकान खोल के बैठा हूँ मादर साहब। क्या बाबा, ये बाबा बाबा की गोद में बैठ के अंगूठा चूस ले, भूतनी के चले आते हैं टांग उठा के यहाँ पे। बाबा गालियों का बरकत है बाबा, इसको 4 गाली और बको बाबा। ए बट बट। नहीं तेरा मतलब ये है कि मैं अपने मुरीदों को बाहर भेज के पहले ही पब्लिक से इंक्वायरी करवा लेता हूँ, उनकी स्टोरी उनकी हिस्ट्री जान लेता हूँ और फिर वही स्टोरी उनको सुना के भपका मारता हूँ उल्लू के पट्टे। नहीं नहीं आई मीन, अबे अभी अमीन का नाम ले रहा, इसने तुझसे बात की थी कि अमीन से? मेरे से बाबा, अमीन तो आपके लिए खाना लेने गया है। बोल
नहीं नहीं अमीन नहीं, आई मीन मतलब मेरा मतलब। अबे चुप बे भूतनी के, अमीन मतलब मेरा मतलब, इसका मतलब सब समझता हूँ तेरा मतलब। दाले तू मुझे उल्लू का बट्ठा समझता है हाँ? भूतनी के मादरजात झाड़ की खाल झोलर बाबा समझता है मुझे। या बाबा तेरा काम हो गया अब तुझे घर गर्मी रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या दुकान उठा के बार बार नीचे टेक रहा है बे? जी बाबा मैं इसे सही में गाली दे रहा हूँ। बाबा गाली तो गाली होती है, आपकी गालियों में भी तासीर है, चाहे आप ऐसे दो चाहे आप ऐसे दो। या बाबा बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। बाबा मैं तो कहता हूँ 10-15 गाली और दे दो, बेचारे सुबह से परेशान घूमे, और 2-4 गाली में मेरे मुंह पे भी थूक दो ताकि मेरा काम हो जाए, अंधेरी पर जल्दी पहुंचाऊं। बाबा गाली दो बाबा, गाली दो बाबा। बाबा अरे हमारी गाली देने से तुम लोगों का फायदा होता है तो खाओ गाली, हमारे बाप का क्या जाता है। अबे भूतनी के, अबे मादरजात, अबे भूतमारी के, अबे तेरे मुंह से अच्छी गधे की दुकान होती है वे। ओ खुदाई जी, ओ बेचारा विलियम 10 मिनट तक गंदा गाली सुनते बैठा रहा, और जब गाली का गोडाउन खाली हो गया ना तो गाली बाबा ने अपना बाबागिरी चालू किया। जा के उस लड़की के सिर का एक बाल लेकर आ, ताकि मैं अपनी तंत्र मंत्र और इलिम की शक्ति से ये पता लगा सकूं कि वो लड़की दिल्ली के किस कोने में जाकर छुपने वाली है या छुपी बैठी है। जा। बाबा अगर लड़की का पता मेरे पास होता तो मैं खुद उसे बालों से पकड़कर अपने पैसे ना निकाल लेता। क्यों फारूक भाई? फूतिए मर गए औला छोड़ गए। अबे भूतनी के, गाली में बरकत। ये तो मुझे भी पता है कि लड़की लापता है, और लापता लड़की के सर का बाल किधर से मिलेगा ये मुझे पता है कि नहीं? जी 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 पता है आपको, लेकिन एक जगह है जहाँ से 100% लड़की के सर का बाल मिल सकता है। कहाँ बाबा? ये कौन सा पता है बाबा, कुछ दिख नहीं रहा। पता नहीं बता रहा हूँ फूतिए, पैसे बता रहा हूँ, 5,000 रुपए लगेंगे। बरकत बाबा। क्या बाबा पता बताने के 5,000 रुपया? तू समझा नहीं रे फूतिए। नहीं समझा बाबा। पता बताने का 5,000 नहीं जी हाँ। पते पर पहुंचकर हाँ। बाल को ढूंढकर हाँ। उस पे तंत्र मंत्र इलिम करने का 5,000। अब समझा बे फूतिए। जी 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 नहीं समझा बाबा। देख क्या है बेटा, यहाँ दोपहर के बाद पब्लिक लोग बहुत आता है। हाँ जी जी जी। उन सबको छोड़ के सिर्फ ये काम करने जाने का मतलब है 2,500 का लॉस। फारूक भाई ये तो बहुत ही ज्यादा है, कहीं बाबा में फूतिया तो नहीं बना? या बाबा बाबा 2,500 में सौदा फाइनल करो ना, बच्चा बहुत परेशान है बेचारा। उतर वहाँ से, उल्टा लटक रहा है मादरजात। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, बाबा इधर आ, माफी बाबा इधर आ। देख बेटा आने जाने का भाड़ा किराया प्लस हाफ रिटर्न 3,000 होता है। जी जी। टोटल 6,000 में से 1,000 कम करके 5,000 बता रहा हूँ, आगे इसकी मर्जी। 10 लाख के लिए 5,000 का लोबान तो जलाना पड़ेगा। भाग। फारूक भाई डन। ठीक है बाबा, लेकिन एक शर्त है, आधा पैसा काम होने के बाद दे दे। थैंक यू। देखा देखा जी, मुझे कैसे पता चला कि ये आधा पैसा काम होने के बाद देने की बात करने वाला है। बाबा आप तो पहुंचे हुए फकीर हो। आजा बाबा की गोद में बैठ के दूध पी ले। बाबा आप अभी जा रहे हैं? किधर? बाल ढूंढने। लंच के बाद। इतनी जल्दी टिकट मिल जाएगी? काहे की? ट्रेन की। ट्रेन की क्यों? ओह सॉरी बाबा, तो आप फ्लाइट से जा रहे हैं? फ्लाइट से? तू मुंबई के बाहर रहता है क्या? नहीं 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 बाबा, मलाड वेस्ट में साजिद भाई को पता नोट करवा दिया है बाबा। पता नोट करवा दिया है तो ट्रेन की और प्लेन की बात क्यों कर रहा है ये? क्यों कर रहा है बे? तो बाबा दिल्ली कैसे जाएंगे? बाबा दिल्ली कैसे जाएंगे? भूतनी के बाबा दिल्ली क्यों जाएगा? बाबा दिल्ली क्यों जाएगा? बाल कहां से मिलेगा? इधर आ। जी 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 बाबा। इसको समझा दे महामारी की औलाद को कि इसके घर से मिलेगा। बाबा 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 लड़की घर में थी, सुबह भाग गई बाबा। जी
अबे कौन से जानवर के हड्ड से तुम्हारी अकल लिखवाऊं भूतनी वालों। रात को घर पे लड़की थी, सुबह भाग गई। तो मेरी बात सुनोगे जी? तो इसके घर पे, इसके किचन में नहाने की जगह पे, धोने की जगह पे, निचोड़ने की जगह पे, खाने की जगह पे, खिलाने की जगह पे, कहीं ना कहीं एक बाल मिलेगा, जरूर उससे काम बन जाएगा। ओ, 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 बाबा, ऐसा क्या बाबा? मुझे लगा कि आई एम रियली सॉरी बाबा। गधे की दुकान में घुस गई सारी भूतनी वाले। बाबा क्षमा, क्षमा कर दो बाबा। क्षमा के परवाने, खड़ा हो जाओ। झूठ झोपड़ी के, जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। सालों ने दिमाग का सुनामी कर दिया, चलो भागो यहाँ से। जी जी, भूतनी बाबा, थैंक यू। केवल चल चल, खड़ा हो यहाँ से। सीएनजी भरवा ले तू। चल बाबा, बाबा बाबा बाबा, बरकत हो गालियों में। सुनो जी 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 जी, तुम्हारे घर पे आऊंगा 3 बजे बाल ढूंढने, घर पे रहना भूतनी। अरे सालों ने दिमाग का, ये बेटा जरा स्ट्रॉबेरी वाला फ्लेवर पिला, 5 मिनट में 2500 का मुर्गा काटा है। ये डेस्टिनी था, इसीलिए सुंदरलाल को ऑफिस पे विलियम नहीं मिला, मगर विलियम के घर का एड्रेस ऑफिस से मिल गया और ये सफरचंद स्टूपिड घर पहुंच गया। भैया, ए भैया, करे ये कार्ड वाले भैया यही रहते हैं ना? इधर ही रहते हैं, पर अभी नहीं है। कहाँ है? अरे मेरे को क्या मालूम किधर है? तू कौन है? हम सुंदरलाल। कौन से एंगल से सुंदर है बाबा? कहाँ से आया तू? कचौली जिला गोरखपुर। ओ, पहले पीपली अभी कचौली। अरे तेरे को इधर का पता किसने दिया? बस हम उनके ऑफिस से ये पता लेके यहाँ आ गए ताकि वो हमको नौकरी दे सके। तेरे को भी यही आदमी मिला क्या? पकड़ कार्ड और जाके उधर बैठ जा साला। भाईजान से अपुन बात करेगा। तू क्या बात करेगा? तुझे तो पता है ना तेरे भाईजान कैसे खड़खोपड़ी इंसान है, खाली पीली तुझे भी गाली दे देंगे। अरे आपा, तेरे में और अपुन में फर्क है? कोई फर्क नहीं है रे, तू उनका साला है और मैं उनकी बीवी, शरीके हयात। दो दो लड़कियां देने के बाद एक बेटा भी जन्म कर दिया, लेकिन उनकी नजर में हमारी कोई इज्जत ही नहीं है। अल्लाह खैर करे, अम्मी जान और तुझे हमारी झगड़े की वजह भी समझते हैं। अभी कहाँ होंगे भाईजान? पता नहीं, जब से उनको फोन करके बोली हूँ कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ तब से फोन ही बंद करके रखा है। विलियम और फारूक जब मलाड वेस्ट से जाता था ना, तब मैं उनको रास्ते में मिला। ओह, एट लास्ट आपकी एंट्री अब हो ही गई स्टोरी में। यस, लेट आया पर करेक्ट टाइम पे आया। अरे अरे जल्दी खत्म करो यार, अरे जल्दी खत्म कर। देखो भाई, बाबा का चक्कर बहुत लंबा है, जब करेगा सो करेगा। मुझे तो आज ही पैसे वापस करने हैं, वरना वो परब साला है ना, मुझे साला वो चार्ज के बाहर बिठा देगा, जरूर बिठाएगा। इसमें साहब की भी उससे फटती है यार। हाँ बाबा, ये सही है, तू घर के पेपर रख के पैसे उठा ले और सारे कर्जदारों को लौटा दे, और बाबा की वजह से आज कल में तेरी माशूका मिल जाएगी, तो वापस घर छुड़वा लेना, सिंपल। वाह, क्या बात है, फिर सॉलिड आइडिया। मुंह बंद कर, बोले तो दीजिए मुझे। बोलने तो तेरी वजह से ढाई ढाई घंटे की फिल्म 5 घंटे में भी खखखख नहीं हो पाएगी। ए? अरे बस कर ना, इसके अंदर क्या घुस के चाटेगा चाय को, क्या भूती है। चल बैक, अरे हटो यार। पैसा पैसा भी मैं ही दूं, गाड़ी में इसको मैं बैठा हूं साला, पैसा भी मैं तुझे दूं साला। पनौती, जब से गाड़ी में बैठा तब से कोई पे मुसीबत आ रही है। आजा भाई आजा। अच्छा है विलियम भाई, तेरा प्रॉब्लम खत्म हो रहा है, मेरा भी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। बस सीनियर सिटीजन गेला, प्रॉब्लम खत्म करते करते आदमी खत्म कर दिया। अरे मनु, तेरे खिलाफ मुकदमा करवाऊंगा साले। बूढ़े को देखो तो। गया मरा। अल्लाह, ये चाचा को मरने के लिए मेरी टैक्सी सामने आना था। जिंदा है तो साले मरा हुआ क्यों बोला? मरा नहीं, जिंदा है, यही तो बोला। बंद कर साले, जानबूझ के मारा, चाचा अपने आप सामने आ गया, बड़े भैया क्या करे। अरे अंकल जी, अंदर ले चलो। टैक्सी में अंदर क्यों? अरे जरा सुन इधर। अरे पब्लिक हम लोग इधर से जाने नहीं देगी, ऊपर से मारेगी वो अलग। अरे हटो हटो हटो, चलो हटो हटो यार, हटो हटो, जरा संभाल के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
ए आपा, कुछ पता चला? हाँ बोलो मुकिम बाबा। अरे आपा घर छोड़ के आ गए ले, फारूक भाईजान से झगड़ा हो गया, क्या हो रहा है मुकिम बाबा अल्लाह जाने। चलो बाबा तुम जरा दुकान का ध्यान रखना, अब उनको लफड़ा सल्टाना है। अल्लाह हाफिज। अरे जल्दी अंकल जी उतार रहा यार, आराम से आइए आइए, पीछे गली में मेरा घर है मेरे पीछे। चाचा जी आओ। अच्छा किधर? अरे सेठ ये टिफिन, जल्दी आओ जल्दी आओ आओ आओ। चलो चल आराम से आना, आराम से। हां ऐसे घुमा। अरे यार आराम दरवाजे की तरह ले गया। अरे इसको छोड़ यार, यहां पे दरवाजा बना दे, चाचा को दरवाजा बना दे। बैठ रहा है। अरे चल ले चल, फारूक का टांगे लेता। अरे बाप रे, माल पानी का। मैं डॉक्टर को बुला के लाता हूँ। ए भाई तू नहीं होता तो मैं इस चाचा का क्या करता, तेरी वजह से मैं जेल जाने से बच गया। अरे कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूँ। अरे हटो यार, से टिफिन। अरे रुको यार, पैसा। ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, जूते उतार। साला पनौती, जब से मेरी गाड़ी में बैठा तब से मेरी जान आप पत्थर पड़ी हुई है। चाचा आप पे नहीं चिल्ला रहा, डरो मत, उधर रख मुझे उतार। मुझे मालूम है अंधेरी पूरा अपनी जिंदगी में बहुत टेंशन। अरे रुको यार, दबा पूरा बॉडी कर रहे इधर दबा इधर। अरे डॉक्टर साहब आए हैं। डॉक्टर साहब, सब डॉक्टर ही ये डॉक्टर है कि एजेंट? क्यों मरीज इधर है, वो घर चेक कर रहा है। कुर्सी दे डॉक्टर साहब, कुर्सी दे डॉक्टर साहब। सर पे बैठोगे क्या डॉक्टर साहब? किसका बैग है? अरे आप ही क्या डॉक्टर साहब? अरे ये डॉक्टर है कि क्या? चाचा निकल लिए। अरे चाचा मात्रे मर गया, मेरी गाड़ी के सामने मर गया। शट अप, मैं टॉर्च भूल गया था। टॉर्च चलाओ। टॉर्च छोटी है क्या? ये टॉर्च नहीं, ये तो टॉर्चर है। अच्छा आंखें देख रहा है कि ये डॉक्टर ही है ना? डॉक्टर ही है। सिर साला डाउट क्यों हो रहा है? जख्म देखता है या चूहा बिल्ली ढूंढता है? स्टूपिड चाचा, थैंक गॉड आपको होश आ गया। अंकल, अंकल जी को होश आ गया। डॉक्टर अरे बेवकूफ इडियट गधेरा, कौन तेरे को डॉक्टर बनाया? थोड़े पे ऐसा टॉर्च मारेगा तो मुर्दा भी उठ के बैठ जाएगा। वो बात ऐसी है ना कि फेस पे लाइट मारना भी थ्योरी है। अच्छा, जो कि बेहोश आदमी को होश में लाने के लिए इस्तेमाल करनी पड़ती है। खाली टॉर्च ही काम चलाते रहोगे। ये गोलियां है, एक खुराक चाय बिस्किट के साथ में दे देना। हाँ और दूसरी बात, वेट, नो मेडिसिन प्लीज, ओनली चाय बिस्किट। जैसे चाचा पट्टी को ओके, वैसे भी स्ट्रांग है। नो प्रॉब्लम, मैं जेल से बच गया। मैं चलता हूं, मैं छोड़ के आता हूं। अरे ये टॉर्च भूले जा रहे थे डॉक्टर साहब। आइए अब चलिए, चल भाई लकेला, चलिए चलिए इनको बाहर से छोड़ के आइए। ए गधेड़ा, अरे तुम्हें क्या क्या बोल रहे हैं? चाचा सुना, पानी ले आओ, पानी लेकर आ। ये डॉक्टर कोई गाल नहीं जी, जब आप लोग एक बूढ़े की मदद कर सकते हो तो मैं नहीं कर सकता। कोई गल नहीं, मैं चलता हूँ। चल लकेला। आज की तारीख में इतनी शराफत और इतनी दरिया दिली, कहीं कुछ गड़बड़ है। नीले तू अंकल के पास बैठ, पी ले, तू मेरे साथ। भाग केला। मैं बोलता था ना फुल टू डाउट है, क्यों भागा ये? तू चुप कर। अ
अरे सबर करो, डॉक्टर साहब आ जाएंगे। काय का सबर भाई, एक घंटे से बैठे। रुको रुको, अब लो डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब आपका छाता और डब्बा कहाँ है? ओ यार, एक पागल कुत्ता पीछे पड़ गया था, मैंने छाता और बैग दोनों फेंक के मारे, उनको भगा दिया। अब इनको भी भगा दे और कह दे कि डॉक्टर साहब बीमार है। चलो चलो बाद में आओ, डॉक्टर साहब की तबीयत खराब है। हमारी तबीयत का क्या? रब का शुक्र है, ये कोई तरीका है? एक घंटे से बिठा के रखा आप बोलते हैं। ओए उठ, चल पी डायरेक्ट। ओकी डायरेक्ट नहीं तकी, उस लाइन के थ्रू से वाया वाया बॉडी में पहुंचता है, ये डायरेक्ट पहुंचने से जल्दी आराम आ जाता है। चल पी पी ले, मेरे हाथों से तू उनको जल्दी पी ले। चल इधर, बचा, चल भाग। क्या बात है असली। हेलो डॉक्टर। हेलो जी, की हाल है भाई? अट्टी भाई खा ले, बस आपसे पूछना एक सवाल है। पूछूं? हाँ हाँ पूछो पूछो। ये क्या कड़िया भी हो तुम? वो जी पार्ट टाइम करता हूँ ना जी, आज बना रहा हूँ ना दवा खाना। ऐसा है, पूछना ये है कि आप बगैर फीस लिए वहाँ से भाग क्यों लिए? प्लीज सच सच बताइए प्लीज। वो बताया तो था, अब वो साबित भी करूं क्या? डॉक्टर सच बोलिए। डॉक्टर ये क्या है? वो चाबी है जी। ये मेरी टैक्सी की चाबी है, और ये चाबी जब मैं उसके इग्निशन में घुसेड़ता हूँ ना, तो और घुमाता हूँ तो 1000 किलो की गाड़ी जो है वो धड़धड़ा के स्टार्ट हो जाती है। अब ये चाबी जब मैं तुम्हारे घुसेड़ूंगा ना, तो तुम कितना धड़धड़ाओगे? कितना बज रहे तुम्हारा? अरे मुंह क्यों खोल रहे हो, मुंह की बात नहीं कर रहे ला हूं। ओ नहीं नहीं, बताता हूं। दरअसल बात ये है ना जी, वो बुड्ढा अपने घर से लापता है। ये देखो पेपर में आया है, देखो। उसे घर पहुंचाने वाले को अच्छा खासा इनाम मिलेगा। फोन मारो इस नंबर, फोन मारो। हाँ हाँ, लेकिन इनाम में 50% हमारा रहेगा। तुम्हारा 50% रहेगा, तो हमारा तो 100% होना चाहिए। बुड्ढा हमारी टैक्सी से टकराया था। तो 45% कर दे। देखो डॉक्टर, तुम हमें जानते नहीं हो, बहुत नंबरकारी आदमी हूँ। 389 में बैठना उठना है मेरा। 389 का मतलब? खराब। 389 मुंबई पिन कोड नंबर, भाईखला नागपाड़ा भिंडी बाजार और डोंगरी, माहिम दरगाह गली बांद्रा बहराम पाड़ा, सांता क्रूज खार गोली बार। तो 40% तो देगा ना? अंधेरी डोंगर मार्केट, जोगेश्वरी ईस्ट वेस्ट, बहराम बाग से लेकर अमृत नगर। कमाल है भाई, दवा खाना बहुत खर्चा हो गया है, नया बनाया है, 35% तो कर दे। मलाड मालवानी मीरा रोड नया नगर। और 30% पिन कोड बंद कर फारूक, कहीं हार्ट अटैक से मरना जाए, पहले बुड्ढा अब ये। चल ओके 25% ओके, चल फोन मार फोन मार फोन मार फोन मार। अच्छा चलो मोबाइल निकालो। थर्टी परसेंट याद रहता है, 50% याद रहता है, 40% फोन कहाँ से लगाना है वो याद नहीं रहता तुम्हें, इससे लगाओ। लग गया लग गया, मुझे दे बात कर ले। हाँ हेलो। हेलो, मैं फारूक बोल रहा हूँ, और अभी जिस बुड्ढे का जो है फोटो जिस पेपर में छपेला है, वो बुड्ढा हमें मिल गया है। क्या पापा मिल गया? खुदा है, थैंक यू गॉड। हाँ मिस्टर फारूक, देखो मेरा बात ध्यान से सुनो, वो जो अंकल है ना, वो मेरा पापा है, आप उसको संभाल के ना मेरे पास लाइए आओ। हाँ प्लीज। लाता हूँ सेठ, लाता हूँ, पहले मंटाल की बात तो कर ले। मन क्या? What? अरे माल पैसा, इनाम कितना मिलेगा हमें? What? कितना मिलेगा? 1,00,000 आप भी देने। ओके, हम हमको 1,00,000 दे सकता है। 1,00,000? कितना बोला? 1,00,000। हेलो एक मिनट। हेलो सुधा,
अरे फोन काट दिया। पन पूछने का ना काई को काटा घर है। ओल्ड मैन डोंट यू माय ब्रेन्स हाँ। 1,00,000 यानी 25,000 तुम्हारे हैं और 5,000 वो पीले कुर्ते अंदीप को दे दूंगा और 15,000 वो ब्लू शर्ट विलियम को दे दूंगा तो 15,000, 5,000, 20,000, 25,000, 45,000 यानी 55,000 मेरे। क्या है ना कि बुढ़ा ये उसी का है। उसी का है। हेलो हेलो मिस्टर फारूक। हेलो क्या है ना कि हम आपको 5,00,000 दे सकता है। पानोटी मुसीबत कंफ्यूजन शुरू हो गया था। एक बाजू फारूक इनाम के पैसे का शेयरिंग कैलकुलेशन के वजह से फोन काटता गया, दूसरी बाजू नरीमान ये सोच के इनाम का पैसा बढ़ाता गया कि शायद फारूक को 1,00,000 रुपया कम लगता था। बस इसी चक्कर में मेरे ऊपर रखा रिवॉर्ड मनी गरीब टैक्सी वाला की उम्मीद से जास्ती हो गया। इसीलिए कहते हैं बम्पर ड्रॉ। हे यू फारूक या जो भी नाम है तेरा, मेरा आखिरी ऑफर है 50,00,000 रुपये। अगर ये ऑफर मंजूर है तो वापस से फोन करना वरना भाड़ में जा। मेरा पप्पा को ले आने का और भी तरीका है मेरे पास। ओके बाय। क्यों यार डील कैंसिल? वो अपने गले का वॉल्यूम तो बढ़ा। 50,00,000 दे रहा है। या अल्लाह तूने भर दिया फारूक का गल्ला। चाचा फारूक भाई दिखे क्या? नहीं बेटा नहीं दिखे। ए तू अपना मुंह बंद कर, डरो मत, मैं सबको देने वाला हूँ। अच्छा मजाक है। मामा कैसा है, सब ठीक ठाक ना? हाँ बस देवाची कृपा से। ऊपर वाले की कृपा है इसलिए तो 50,00,000 ना क्या है 50,00,000 को उस दूर गांव में जब बच्चा हकता है माँ कहती धोले 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 नहीं तो डॉक्टर आएगा गोली दे देगा। बस यही कहने वाले थे ना। संभाला। अच्छा अच्छा संभाला तूने। हाँ वो मिस्टर किधर है? वो हकने को गया है। कंजे की टोपी जब सबरे होती है तो अच्छे अच्छों को लगती है। मैं देख के आता हूँ। जल्दी से धौधा के बाहर आ जाओ, अपनी पनौती दूर होने वाली है। चाचा नमस्ते। चाचा 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 विलियम तू अकेला है क्या? हाँ। चाचा कहाँ है? अरे मुझे क्या मालूम है, अरे होंगे देखना यार। मामा क्या चाचा कहाँ है? कौन चाचा? अरे जो यहाँ लेटा हुआ था वो चाचा। अच्छा वो अंकल? हाँ वो तो गया। किधर? अरे वो जो भालू जैसे भालू वाला है ना उसके साथ गया। वो बाहर रहा, उसका बेटी भी पड़ा, जाके देख लो। इधर मैं फोन पे बिजी था, पलट के देखा तो उसके साथ चला गया चाचा। आयो रब्बा मेरे साढ़े बारह लाख। पानी पियो पानी पियो। ओ कम से कम अंकल को तो ताला मार के रखते। खामखा लाखों के चक्कर में मरीजों को भगा दिया, वो एक को तो डायरेक्ट ग्लूकोज पिला दिया। दोनों तरह से नुकसान। दवा खाना से यहाँ तक आते हुए मैंने क्या क्या सपना नहीं देख लिया था। मेरी छोटी बहन डॉक्टर बन जाएगी। पैसों के लिए मैं बनारस से मुंबई आया। उस बूढ़े अंकल की वजह से मिलने की आशा जग गई थी। अब बिना पैसों की मेरी बहन कभी डॉक्टर नहीं बन पाएगी। वो कहावत मशहूर है ना, लक्ष्मी दरवाजे पर होती है और बदनसीब इंसान मुंह धोने गया होता है। लेकिन यहाँ तो साला ये ब्लू शर्ट ये हगने गया था। और सुन तू अंधेरीपुर, बहन को चाहे जो भी बनाना लेकिन अगर पैसे मिल भी जाए तो भी डॉक्टर मत बनाना। अच्छा डॉक्टर बनने में क्या बुराई है? अच्छाई भी क्या है? तेरे जैसा अनपढ़ जाहिल टैक्सी ड्राइवर क्या जानेगा
कि डॉक्टर क्या चीज होती है। अरे वो तो इंसानियत की माँ की आँख, इंसानियत की गोली मेरे को मत दे फारूक। हाँ? फॉर गॉड सेक। कौन सेक? तुम लोग झगड़ा मत करो यार। अरे देखना इंसानियत की बात कर रहे यार, दवा खाने में इंसानियत कहाँ गई थी तेरी है? जब 50 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए मांग रहा था ये वो कोते 12.5 लाख। हाँ देखा, सब याद है। जो भी हो, कहाँ गई थी तेरी इंसानियत, कहाँ घुस गई थी? I'm sorry. बिल्कुल इंसानियत की बात मत करना। ये अंधेरी के राही, तू अपनी बहन को हॉकी में डाल। हैं? अब हॉकी खेलेगी ना तो देश का नाम रोशन करेगी। देखा नहीं सलमान खान की फिल्म चकदे में कैसे लड़की लोगों ने हॉकी खेली थी? चकदे में सलमान खान, फिर तो दबंग में शाहरुख खान। नहीं, इरफान खान। ए कोई भी हो, हॉकी मैन है। ए स्पीड ब्रेकर, तू अपनी बहन को हॉकी खिला। फारूक भैया, मेरी बहन अपाहिज है, दोनों पैरों से अपाहिज, बिना पैसा के एक कदम भी नहीं चल सकते। हरिचरण का छोटा सिस्टर आंचल पढ़ने में बहुत होशियार, लेकिन फिजिकली हैंडीकैप, और ऊपर से औरत जात, उसका भी लगन हो जाता था, बहुत सारा दहेज भी देना पड़ता था। हरी वो भी अफोर्ड कर लेता था, और डॉक्टर को तो अखा दुनिया रिस्पेक्ट करता है। फिर वो डॉक्टर फिजिकली हैंडीकैप क्यों ना हो, वो डॉक्टर ही होता है। और इस सपने को सच करने के चक्कर में अपना हरी मूर्ख, बिल्कुल मूर्ख बन गया। उसका नाम काशी वर्मा था, किसी ने मुझसे पहचान करवाया था। एक दिन काशी बोले, मेरी मुंबई में अच्छी पहचान है, मैं तेरी बहन को 50% में कॉलेज में दाखिला करा दूंगा। बहन की मोहब्बत और उसके अच्छे जीवन के लिए मैंने अपने कपड़े की दुकान गिरवी रखकर 2.5 लाख रुपया दे दिया। उस दिन से वो भाग गया और मैं मुंबई आ गया। वाह मेरे अंधेरी पुर, बिना लिखा पढ़ी के एक अनजान इंसान को पैसे दे दिए, और ऊपर सुबह से साले अंधेरी पुर बोल बोल के दिमाग की मां बहन कर दिए। ये मेन वाली बात नहीं बता सकते थे? अरे मुंबई में बिना अता पता के किसी को ढूंढना घास में सुई ढूंढने जैसा है। अरे बैठा। एक बार घास में सुई भी मिल सकती है, क्योंकि पता होता है कि घास में सुई होगी, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उस साला हरामखोर इधर ही मुंबई में होगा? अच्छा भाई लोग, अब तो मैं चलता हूँ। अब तो मरीजों का 30-30 रुपए में इलाज करके गुजारा करना पड़ेगा। रब राखा। चलिए भाई। भाई हाँ, लेनदारों का आने का टाइम हो रहा है। हाँ भाई, मारवाड़ी को ढूंढते हैं, चल। बॉस, ये अल्बर्ट, विलियम का मैनेजर नहीं, डैमेजर। बॉस, मैं आपका अंकल को चाय बिस्कुट खिला दिया है, और अपना पास पैसा होता इसलिए बिल भी भर दिया है। तो मैं क्या कहूँ? नाचू। क्या बोला? मेरा अंकल? हाँ, पेचू का गली में चाय का दुकान पे। झूठे, मेरे अंकल को मरे 10 साल हो गए। अबे क्यों तपा रहा है? वो पहले से ही तपा हुआ है। बे तू सुमड़ी में बैठना। पन वो सुंदरलाल बोला कि वो बुड्ढा बॉस का अंकल है। सुंदरलाल? ए शेट, वो भालू जैसा है ना, वो ऐसे ऐसे से बाल वाला। अरे उसका नाम भी सुंदरलाल है। किधर है वो? कौन? सुंदरलाल या अंकल? अबे दोनों फुरचन। पिछू का गली में चाय का दुकान पे। ए फारूक जल्दी। तू मार खाने के बाद कितनी अच्छी बात कर रहा। क्या चलता है मैन? चाचा सोच है हमारा नौकरी पक्का ना? अरे तेरी जान मारूं गधर, तेरी बेवकूफ साला। आधे घंटे से 10 बार नौकरी के बारे में पूछ चुका है,
एक बार हाँ बोल दिया तो तेरी समझ में नहीं आता है इडियट सफरचंद अन्नारी। क्यों बे सुंदरलाल, नौकरी मिल गई? टीवी ऑन कर। ऐसे बिना बोले बाहर निकल। रिमोट दे। शौकीन है। मैंने क्या बोला आपने सुना? ऐसे बिना बोले बाहर मत। बाजू हट ना, टीवी देखने का है ना मने। अच्छा अच्छा। परेशान कर दिया। 50 का आसामी है, समझा कर। क्यों बे मिस्टर नौकरी, सुबह 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 स्टेशन पे तो बहुत सीधा बनाने लगा। 50 रुपए लेते वक्त तेरी इज्जत जा रही थी है? अब 50 लाख को बुड्ढा देखा नहीं कि सारी शराफत भूल गया? नहीं नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हैं। रंतु ये जंतु आया कैसे? कार्ड के कारण। ये कार्ड तो मेरा है, तुझे कहां से मिला? तूने पॉकेट तो नहीं मारी? चल उधर जाके बैठ जा। बैठ क्या, निकल इधर से। ए मामा मामा, तू ज्यादा साहूकार मत बन। जब ये चाचा को लेके जा रहा था तू यहाँ क्या कर रहा था? घास काट रहा था। तू तू फूट, यहाँ से किसी को 1 रुपया नहीं दूंगा मैं। विलियम कुछ नहीं, विलियम जो मैं बोलूंगा वो करेगा। ये चाचा है ना, अगर मेरी गाड़ी से नहीं टकराता तो आता कैसे? सही बोला बंटा, क्या समझा? जी। नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत मत करना। 40-50 हजार रुपया चाहिए हो मैं दे दूंगा, अपना दिल दरिया बाकी सब समंदर है। हमको 1 रुपया भी नहीं चाहिए, हम तो यहाँ आए थे नौकरी की तलाश में और आपके जेब से कार्ड गिर गया। हम तो लौटाने वाले थे, आप ही ने नहीं रुके और एक कार्ड के पता पे हम चले गए। वहाँ वहाँ से हमको यहाँ का पता मिला और हम आ गए यहाँ। ये चाचा मिला और हम दातुन मंजन करके बैठे ही थे। चाचा चाचा, क्या हुआ चाचा? सफोकेशन सफोकेशन। कौन सा स्टेशन? अरे मेरे को गधरा स्टेशन नहीं, मेरे को मेरा दम घुटा है, मेरे को बाहर लेके चल। ऐसे बोलो ना चाचा, चलो चलो चलो। मेरा शूज, मेरा शूज। अरे जूता जूता। और बस हम ले गए उनको। अब मैं समझा। मामा फोटो 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 फोटो। ठीक है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, शायद मेरा टिफिन डिब्बा वो ले ले, उसको जरूरत पड़े। आपको तो जरूरत पड़ेगा नहीं, अभी मेरे को मालूम है। डॉक्टर के पास जा रहे हैं? जाने देना, अपना क्या जाता है। अरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो डॉक्टर जो समझ के गया कि चाचा गया। अब डॉक्टर के पास जाएगा और अरे ये मामा मामा कैसा है, ये गिराता क्यों है? अंदर चलने का, ब्लू शर्ट भी टिफिन खाएगा, मैं भी टिफिन खाऊंगा, जो भी अंदर सब टिफिन खाएंगे। चलो चलो अंदर चलो मामा। अभी मैं टिफिन नहीं देगा। क्यों? अभी वो भा कंपनी टिफिन देगा। अरे जो भी दे, लेकिन आप अंदर चलो, दिमाग का झोपड़ा मत करो मामा। पहले ही बोलता वो भा कैटरिंग। अरे चलना यार, गुस्सा थूक दे। मेरे को कोई और कैटरिंग वालों से टिफिन नहीं चाहिए। बस। अरे शेट, वो भा मंजे WB। अरे WB मंजे कौन? अरे मी वामन भालेराव, समझ ले का? अरे मेरा अपना कैटरिंग, अभी मैं मालिक होके टिफिन कैसे लाएगा? क्या बात है मामा, तेरी दम का झकूड़ा, बाकी सब घास कूड़ा। वेरी गुड। तभी तो बोला 50 लाख में मेरा कितना हिस्सा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। नौकरी सुन बे। अरे ये अब ये किधर गया? कौन वो नौकरी, किधर गया? उसको जाने दो फारूक भैया, मैं अखबार ले आऊं। कितने दिन में पढ़ेगा? चाचा का फोटो छपा है ना उसमें, वो तो दवा खाने में रह गया अखबार। अब वहाँ जाने का मतलब है डॉक्टर को ही हिस्सा देना। अब डॉक्टर को करते हैं डिलीट और मैं खरीद के ले आता हूँ अखबार।
मत। देखने का ढंग वगैरह मतलब का चौका है। इसकी ऐसी तैसी ले आ, अभी ले आता हूँ और फोटो देख लेना। इंसान का सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत। सुंदरलाल जैसा इलिटरेट गंवार गरीब आदमी लोग इस बात को खाली मुंह से नहीं बोलते हैं, उस पर चल के भी दिखाते हैं। तभी तो उसने मेरी सेवा बिना लालच के की थी, इसीलिए वो बिना एक पैसा लिए वहाँ से चला गया। तो आप 50 लाख रुपए के चार ही हिस्सेदार थे? चार नहीं, 5। हाउ? विलियम, फारूक, हरिचरण और वामन, 4। अरे गाली बाबा को भी काउंट करो मैडम, उसको भी 50 लाख रुपए का बम्पर ड्रॉ का पता चल गया था। अबे कुत्ते की तरह मुंह खोल के क्या देख रहे हो आराम घोरो? ये मेरी गालियों की तासीर है कि तुम 10 लाख को तरस रहे थे, अब बैठे बिठाए 50 लाख मिल रहे हैं। या बाबा, ये बात तो है बाबा। ये बात है ना जी? इधर आ जी। यही बात ठीक है मादरजात? मेरी निकल पड़ी, हम तो फकीर आदमी है जी। जी बाबा, ज्यादा का लालच नहीं करते जी। जितना मिल जाए उसी में गुजारा कर लेते हैं जी जी। इसीलिए 50 में से 5 मांग रहा हूँ जी बाबा। चुपचाप दे दो, नहीं तो सोच लो पुलिस वाले भी हमारे मुरीद हैं। हाँ, पुलिस वाले भी आपकी गाली खाने आते हैं बाबा। आपको 5 लाख मिल गए। नीचे उतर, बाहर बैठा हूँ। आजा बेटा, बेटा बाबा की जय। नमस्कार बाबा। पैरों में रहेगा मौज भी तो तू लेगा बे। फारूक भैया, मैंने काली बाबा को देखा नहीं, वो गलती से अखबार। गलती मुझसे हो गई भैया, जो तुझे गाड़ी में बिठाया अखबार मिलने की खुशी में आ गए हैं, बाबा को देखा नहीं और बोल पड़े हैं। फारूक भैया, अखबार मिल गया, अब हम सबको 50 लाख मिल जाएंगे। माँ का झोपड़ा, टांगे फैलाओ जी। तेरी अतरियों की रस्सी बना के तुझे उस पे लटकाऊंगा। रुक जा वहीं पे, रुक जा बे। क्यों मार रहा है मेरे 50 लाख के टिपर को? मार नहीं रहला हूँ बाबा, इसको बोल रहला हूँ बाबा के पैर पकड़, ये भाग रहला है। नहीं 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 नहीं, पैर पकड़ने की क्या जरूरत है, बल्कि मैं ही इसका शुक्रगुजार हूँ। उल्टा हो के थैंक यू। थैंक यू बोला ना, अभी तुझे कैसे गाली सुनवाता बाबा। बाबा ये फर्स्ट टाइम आपके काम आया है, तो मैं चाहता हूँ तोहफे के रूप में फोकट में इसको 50-60 गालियां निछावर कर दीजिए। फोकट में? इससे रिक्वेस्ट बाबा। रिक्वेस्ट? आ इधर आ बेटा, ठीक है। अब देख मैं इसका कैसे मीटर डाउन करता हूँ। ले आ सब नीचे उतर के आवे भूतनी के, साले तेरी झाड़ियों में चीटियां चढ़ जाए। अबे मादरजात, तू बोए खरबूजा और बदले में मूली पाए पत्ते समेत भूतनी के। अबे साले टट्टी के रंग तेरा रंग बदल के काला हो जाए बे। इससे पहले कोई बेगानी शादी में अब्दुल्ला बन के टपक जाए और 50 में हिस्सा मांग ले। गड़बड़ है मैम, चाचा को लेके निकल लेते हैं। फारूक और विलियम मेरे को मेरे बेटे नरीमन के पास पहुंचाने का वास्ते लेके जाने लगा, मगर मैं सूसू करने का बहाना करके उतर गया और भाग गया। उल्लू बनाया वो लोग को। तू फिर आ गया बे भेड़िए, हैं साले गंजे के सिर पे। लालच, लालच कितना बुरा चीज होता है। 5 लाख रुपया मिलने वाला था, फिर भी गाली बाबा 500 रुपये के लिए विलियम के घर पे भी अपना दुकान चलाना नहीं छोड़ा। बेवकूफ इडियट, स्ट्रेंज पीपल, अजीब लोग है भाई ये। विलियम वापस भाग गया। क्या सच है ये? मुंडे काय को हिलाता, तू इस बोला था ना कि वो भाग गया। ए मेरी बैड कोमल भैया, साहब मैं बोला बॉस भाग के गया, वापस आएगा, पर तुम भाग के में से के निकाल के खाली भाग गया मत बोलो। काय को खाली पीली कंफ्यूज करता है मैम। मैं तेरे को कंफ्यूज करती? मैं करती है। कहाँ भाग गया बोल? सब अब अंदर चलो ना बॉस के रूम में, मैं बताता हूँ आपको, चलो ना सब। ए हलकट, सबके सामने बता, यही बता दो अभी। हड़ू भाई हड़ू, ज्यादा पब्लिसिटी नको, मैं ना मैं हूँ ना। चल चल बता चल। आइए
प्लीज कम। कोयलों को रख के मेरे नीचे आग जलाएगा क्या? चल यहाँ से, खटमल की औलाद, भाग यहाँ से, चल भाग। आइए ना साहब, आइए ना। देखो चले आते हैं, कहाँ कहाँ से उठा के अपना मुंह बाबा की तरफ देखते रहते हैं, काम धंधा भी करते नहीं। आराम खोर, इसे देखो इस घर के अंदर चला रहा है। कोई सफेद शर्ट पहन के आता है, कोई हरी शर्ट पहन के। कौन आदमी है ये, बाहर गाली बक रहा है? बहुत सॉलिड बाबा है। ठीक है, तू बता विलियम कहाँ भाग गया? साहब आप पहला प्रॉमिस करो, आप किसी को बताएंगे नहीं? ओके ओके, नहीं बताऊंगा, बोल। प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस? जमाइला बोबी, बता वरना नंगा करके मारूंगा मैं। साहब अपना कॉलर छोड़ा, वरना 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 क्या? पिसाब निकल जाएंगा साहब। थैंक यू साहब। साहब वो विलियम है ना अपना बॉस, वो 50 लाख रुपए का इनाम लेने के वास्ते गया है। हाँ? 50 लाख? कहाँ चले गए थे? ना कोई आता ना पता, सीधा लापता हो गए। पापा मिल गए क्या? तेरे भाईजान का फोन है। अरे रफीक आ गया। बेचारा भूखा प्यासा आपको ही ढूंढने के लिए पूरा दिन निकला पड़ा था। एक आप हो कि बस अपना मोबाइल ही बंद करके रखा है? मोबाइल गया झोपड़े में। तू कितना बोले जा रही तू? कितना बोले जा रही तू? ए भाई वाइन दूं क्या? ला दे, पूछता क्या है? मालूम नहीं बीबी से बात कर रहा हूँ, फोन लगा गलती कर दी। लेना लेना, ला। वाइन दूं क्या? खा लिया। हाँ शब्बे तू बोलती रहे, मैं भिखारियों के पास जाके अभी चिल्लर लेके आता हूँ। बोलती रहे बोलती रहे। सॉरी जानू। सॉरी बोल, बोलती रहे बोलती रहे। सॉरी बोला ना? तेरा कोटा खत्म हो गया ना, अब मैं कुछ बोलूं? हाँ तो सुन। हेलो जानू, अरे कुछ तो बोलो। ये भाई क्या बोलने जा रहा था मैं? मुझे क्या पता भाई, तू क्या बोल रहा था? अरे बोल के क्यों नहीं? हाँ 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 याद आया, सुन। अपने दुखों का खद्दर रोड अब खत्म होने जा रहा है और खुशियों का फ्लाई ओवर आने जा रहा है, समझी? नहीं तो? नहीं तू समझ भी मत, तू तैयार हो जाना, मैं तुम सबको शाम को लेने आ रहा हूँ, ये समझी? अच्छा सुन, मोबाइल मत करना क्योंकि मोबाइल टूट गया है। क्या मोबाइल तोड़ दिया तुमने? या अल्लाह, तुमने तो गरीबी में फिर से आटा गीला कर दिया। बताओ क्या करूं? ये फिर शुरू हो गई, ये औरत इसकी। हेलो बेटा, 20 रुपए का चूना लगा दिया। अब ये चाचा झोपड़ी वाला कहाँ गया? चाचा चाचा तेरा चाचा किधर? अच्छा तो चाचा इधर बैठ। चाचा चाचा, अरे चाचा इतनी अंदर सूसू मत कीजिए, बॉडी का पूरा पानी खाली हो जाएगा। चाचा, ये चाचा कौन है बे? तू कौन है बे? तू चाचा नहीं है? नहीं मैं भतीजा हूँ। साले तू चाचा नहीं है तो अंदर से बात क्यों कर रहा है बे? क्या कर रहा है तू अंदर? देख चाहे एक नंबर का चाहे साले दो नंबर का, लेकिन अंदर से आवाज मत कर, तेरी माँ कहा ना। रुक रुक, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। आधे आधे से ही? हाँ आधे से, देखो पूरा देने आ रहा हूँ। मत रुक दे, अरे धोए साले बाहर मत आना। विलियम को 50 लाख का बम्पर ड्रॉ लगा। अभी मेरे मरद को बारगाव सऊदी अरब जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं उसको एक मस्त ऑटो रिक्शा लेके दे देगी, और अपना मच्छी मार्केट है ना उधर, एक जगह भाड़े पे लेके मस्त मच्छी और केकड़ा बेचेगी। फिर पैसा ही पैसा। बोलो गणपति बाप्पा। ओरिया। कितनी मस्त होईल ना असं झालं तर? ओ शेख चिल्ली की बहन, इकडे। काय साहेब? इधर आ। काय साहेब? बैठ। विलियम काय को अपने इनाम के पैसों में से तुम लोगों को पैसा बांटेगा? सिर्फ अपने पैसों से मतलब रख। हाँ पन सर, पैसा ज्यादा बड़ा बड़ा सपना मत देखो। शादी किसके और नाच कौन रहेला है? चल निकाल।
चल निकल। साहब मैं भी तू क्या इसको कुतरे साहब, आधा घंटा पहले और आप आ जाते ना तो घुसपैठिए को इनाम की रकम में से 1,00,000 लेने से रोक लेते। लगता है ये इज करना पड़ेगा। कौन है वो? है नहीं था। ए भाव काय को किसी गरीब आदमी के पेट पे हाथ मारता है? गरीब गरीब ही काम में सबसे बड़ा कीड़ा करता है। अल्बर्ट वो एक मिनट। यस कमिंग कमिंग। ये साला बवाल पर और कुछ ना बता दे। अरे छुपाने को बचाई क्या साहब? ये तो अच्छा हुआ साहब कि उसको अंकल के घर का पता ही नहीं मालूम, नहीं तो वो भी बता देता। हाँ, क्या कहना चाह रहा है? हाँ, समझ गई। हाँ, गो। हाँ, ए, जल्दी चलो। हाँ, चलो चलो जल्दी। हाँ। साहब आपके वास्ते चाय बोलो क्या? एकदम सॉलिड जिंजर टी। बोल सबके लिए बोल। ओके सुन, वो शेख चिल्ली की बहन काय के लिए तेरे को बुला रही थी? एड्रेस पूछने का वास्ते। क्या तेरे को एड्रेस मालूम है? हाँ। तेरे को उसका पता मालूम था? यस। तूने बता दिया? हाँ, तो इसमें कौन सा बड़ा बात है सब? उसने पूछा, मैंने बता दिया। नहीं बताता तो वो किसी और को पूछती, वो पन बता देता, है कि नहीं सब? और फिर इधर तो अखा एरिया को उसका एड्रेस मालूम है। यहाँ अखे एरिया को बुड्ढे अंकल का एड्रेस मालूम है? गया ये नाम मरा विलियम तेरी माँ की। सर सर वन मिनट, कन्फ्यूजन मिसअंडरस्टैंडिंग। एक्चुअली कोमल भाई ने मेरे को पेस्टोंजी अंकल का एड्रेस पूछने का वास्ते नहीं बुलाया था। फिर वो तो डॉक्टर का पता पूछने का वास्ते बुलाया होता। डॉक्टर डॉक्टर क्या 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 डॉक्टर? वो क्या है कि कोमल भाई के पेट में सॉलिड सडनली दर्द स्टार्ट हो गया। अच्छा। हाँ, तो उसने डॉक्टर बेदी का पता पूछा फॉर मेडिसिन एंड ऑल, सो मैंने बता दिया। सब अब आप ही बोलो, मैंने करेक्ट किया या मिस्टेक? करेक्ट। क्या हुआ? तुम लोग ऐसा क्या देख रहे हो जैसे इसने मिस्टेक किया हो? मिस्टेक? मैं तो कहता हूँ इसको खींच के एक दो। इसने डॉक्टर बेदी का पता बता दिया तो? अरे उस डॉक्टर बेदी की वजह से तो हम सबको मालूम पड़ा कि वो पारसी अंकल घर से गायब है। अब डॉक्टर यहाँ से सोच के ऐसा गया था कि पारसी अंकल भाग गया, अभी नाम नहीं मिलेगा। अब वो कोमल डॉक्टर को बता देगी जाके कि वो विलियम शेट है ना, अंकल को उसके घर छोड़ने गया और बदले में 50,00,000 लेने गया। अब डॉक्टर वहाँ जाएगा, हंगामा मचाएगा और सारा पैसा खा जाएगा और कोमल एंड पार्टी को भी खूब पैसा मिलेगा और हम नंगों को फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा। सॉरी आप कंटिन्यू। उधर मत देखो, जहाँ एक अनार और 100 बीमार वाली बात होती है वहाँ ऐसे ही कुत्तों की तरह छीना झपटी और मारपीट होती है। तुम लोग मेरी गालियां सुनो बस। हाँ तो कहाँ था मैं? अबे मादर जातो, ये हुक्का आधा आधा तुम्हारी दुकान में देके मुंह में से निकाल दूंगा। और इन सब लालची लोगों से दूर रेस्टोरेंट में मैं आराम से मस्त एंजॉय करते बैठा था। ग्रिल सैंडविच और कुछ सर? एक लाइट कॉफी। ये दिख रहा माइकल जैक्सन, तू क्या लेगा, चाय या कॉफी? है जो आप कहो चाचा। क्या मैं झेर खाने को बोलेंगे तो झेर भी खा लेंगे क्या सफरचंद? आप भी चाचा, जहर खाने क्यों कहेंगे? हंसता है क्या चिंपांजी की माफी? तू तो बोला जो आप कहो। दो कॉफी। ओके। तू कमाल आदमी है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने फारूक और विलियम के साथ टैक्सी में जाते जाते तेरे को देख लिया और सुसु करने के बहाने नीचे उतर गए और भाग गए और तेरे को पकड़ लिया, वरना मालूम नहीं तू किधर किधर कबूतर की माफी घूमता फिरता था। कमाल है तू यार। अरे 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 चिंता मत कर, ये बाबा जी अभी तक जिंदा है,
खोदाई जी ने चाहा ना तो सब ठीक हो जाएगा। बस एक दो काम सलताने का है, मतलब हाँ हाँ फिनिश करने का है। ये साला फारूक ने भी मेरा लैंग्वेज खराब कर दिया है। फिर मजा, मस्त मजा नी लाइफ। हसो हसो ऐसा। ये नखोट गई कोमल बाई ने डॉक्टर को सब कुछ बता दिया, तभी तो डॉक्टर डायरेक्ट पहुंच गया नरीमन के पास रिवॉर्ड लेने के लिए। हाँ हेलो जी। यस आप मिस्टर नरीमन है जी? एंड व्हाई आई एम बेदी? How would we know why you are baby? So India, just stupid. राजा मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ मैं बेदी क्यों हूँ। Why I am baby? ये मेरा short name है। अच्छा तो तुम्हारा long name क्या है? Long, हाँ। long है योगिंदर इंदर मनिंदर बेदी। वो सो long। काम की बात करें? हाँ हाँ हाँ। साहेब, ऐसा है कि हम दोनों ने आपके पापा को ढूंढा है। एक और पार्टी है जो अपने पास आपके पापा को किडनैप करके रखेला है, इसी वास्ते हम दोनों आपके पास डायरेक्ट चले आए। काय डॉक्टर साहब? हाँ आहो। देखिए जी, इनाम तो हमें मिलना चाहिए। हाँ। पर ये बताइए कि उस पार्टी ने आपको कितने इनाम की डिमांड की है? पचास लाख। पचास लाख? इतनी महंगाई में इतना डिमांड? पर बात ऐसी है कि पचास नहीं चाहिए, सिर्फ 20-25 लाख रुपए दे देना साहब। और भी लोग हैं हमारे साथ, गिराज के बाहर ही खड़े हैं, उनको भी तो देना पड़ेगा ना साहब। का वेरी गुड वेरी गुड। अरे बहुत सारू अपना 25-30 लाख रूपया बची जैसे है ना। देखिए हम आपको 20 लाख रुपया देंगे। चलेगा चलेगा, लेकिन पेस्टनजी किधर है? कुठिया है। दूसरी पार्टी इधर लेके आ रही है अभी। ओके लेट देम कम, तब तक तुम लोग उधर बैठ जाओ। ठीक है, नमस्ते नमस्ते। चल चलो। अरे उसका पार्सल गया क्या? भेज रहा हूँ सेठ। हेलो हे, तेरे को टॉयलेट जाने का है तो सुसु सुसु चल, तो आज रात को फर्स्ट क्लास नाइट शो में पिक्चर देखेंगे अपन। चाचा क्या है? घर चलिए ना। हाँ विलियम पहले तू बता, तू है किधर? मैं कहीं नहीं गया साहब। इधर कर। आप बताओ आप कहाँ हो? फिकर मत करो साहब, मैं एक घंटे में पैसे लेकर आपके पास पहुँचता हूँ। काय को मेरे घर काय को? ओके साहब, आप घर से निकलकर कहाँ जा रहे हो बताओ? मैं बार-बार से वहाँ से पैसे उठाकर आप जहाँ बोलो वहाँ मिलता हूँ साहब। अरे पागल, बैस पे पैसा क्यों उठा रहा है? हेलो चार खा चुका तू वड़ा पाव चाहिए। देख ले, अरे कुछ ये विलियम यहाँ क्या कर रहे हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ कि विलियम भाई यहाँ है, तो सीधा बोलना विलियम। वो 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 कैसे पता चलेगा? वो 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 क्या होता है? हेलो ए विलियम, ए सुन विलियम, ए ए रुक, ए रुक विलियम। ए शेट एक लाख रुको मैं। हेलो सुना नहीं दे रहा? अरे अरे वो पारसी बाबा क्या हुआ? पारसी बाबा मतलब 50 लाख रुपए मिसिंग रिवॉर्ड मालूम पड़ गया। हाँ पड़ गया। सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मैं सॉरी। <Sorry. laughs>
क्या हुआ? विलियम भैया ने साहब को कुत्ता बोल दिया। ये साहब पागल हो गया है, ये कर्जदारों के कर्ज के चक्कर में इसका दिमाग और जुबान दोनों हिला के रख दिया है। इसको छोड़ रहे, लोगों को फोकट में गाली खाने की आदत तो है ही। बेटा पहले ये बता, 50 लाख मिलेगी नहीं? साहब बुढ़ा फिर बाकी जल तू जलाल तू आई बल्ब टाल तू बेचारे पागल हो गए। साहब कंट्रोल करो साहब, पैसा क्या है आता है जाता है, हाथ का मैल है। मैं तो उन लोगों के बारे में सोचकर हंस रहा हूँ जो ऑलरेडी अंकल बाबा के घर गए इनाम के चक्कर में पैसे लेने के लिए। साहब आप किसकी बात कर रहे हैं? कोमल ने पार्टी जो डॉक्टर के पास गए हैं, ये बता रहे कि अंकल आपको मिल गया। कोमल को कौन बोला? कोमल को कौन बोला? ये मेरे काले साले काले खजूर है, उस पे ग्रीन नारियल के साथ इसकी पौंदी पौंद बता साले की। साले तू कहीं मरे कहीं भूत हो साले। ए फारूक इधर। बाबा हजूर, बाबा को 5 लाख रुपए कहाँ से दूंगा? अबे आता है कि नहीं? जी बाबा आया आया बाबा। आ बाबा जी, बाबा आदा बाबा। ये मैं इधर कोने में, कोने में चलो बाबा। हम ये मैं क्या सुन रहा हूँ? वो 50 लाख का आसामी भाग गया क्या? बाबा मेरा सुबह से बैड लक चल रहा है बाबा। 50 लाख के चक्करों में बीवी बच्चों को फोन कर दिया बाबा। वैसे नहीं भरोसा करते थे, अब तो और भी नहीं करेंगे बाबा। मैं एक नकारा शौहर नकारा बाप बन गया हूँ बाबा। अरे डराता क्यों है, मेरे सीने से लग जा मेरे बच्चे। बाबा बहुत परेशान हो। नहीं नहीं, अब सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। बाबा कुछ करो। आज बच्चों के नए कपड़े और स्कूल की नई बैग दिलाने का था बोल के कल रात 300 रुपए का मटका जुआ खेल लिया और 2000 रुपए जीत गया, लेकिन वो खाली आइटम ने मेरे जमीर और मेरी जेब को ऐसा ललकारा कि पूरा का पूरा 2000 रुपया उस पे उड़ा दिया। लुके, लुके। चल, चल। अरे बड़ी बड़ी बातें हैं, भीख मांग खाते हैं। बड़ी बड़ी बातें हैं, भीख मांग खाते हैं आजकल महफिल में। लुखे बड़े
तैयार खाने में लेट दकारे फाइव स्टार की खाना खाते हैं भटियार खाने में लेट दकारे फाइव स्टार की मार के देश चोर बाजार की ढूंढते हैं दारू दार की तो पेट पारसे खर्चा चलाते हैं लुके बड़े उस आइटम के सदमे से बाहर आया ही था कि दूसरा सदमा शुरू हो गया। आज सुबह सुबह फिर से शब्बो ने दिमाग की दही। तेरी बहुत जबान चलने लगी क्या आजकल है? तेरा भाई वो रफीक जिसके अभी मूंछ के बाल नहीं निकले हैं, वो साला भिंडे बाजार में बाकड़ा बाकड़ा क्या चला रहे है? वो अपने आप को देर छड़ समझता है, अब वो मुझे समझाएगा कि पैसे मुझे कैसे कमाने है? अरे रे, वो ऐसा वैसा नहीं है भाई मेरा। आइए मेरा, आइए तेरा, तू अपना, तुझे यहाँ रहना तो नहीं, तो अपना सामान उठा और अपने भाई से चुपचाप निकल जाते। मुझसे बकवास नहीं करना, मैं टैक्सी चलाते चलते यहीं मर जाऊंगा, लेकिन मैं सऊदीया नहीं जाऊंगा। तू अकेली जा, चाहे मर, कुछ भी कर। मत जा, मत जा, मैं छोड़ कर जाऊंगी घर। घुमा के दू तुझे। सुबह सुबह जब तू मेरी टैक्सी में बैठा तो मैं बहुत टेंशन में था, तो सोचा दो चार बड़े भाड़े मार लूं, उसके बाद बीवी बच्चों को मनाने चला जाता हूँ। शब्बो ठीक कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन करूं भी तो क्या, मेरे बच्चों ने मेरे पैरों में जंजीर डाल के रखी है मोहब्बत की, वरना कब का बाहर चला जाता। लेकिन अब साला जाऊंगा। तू तो लोगों को बाहर गांव भेजता रहता है ना, मुझे भी ड्राइविंग के लिए भेज, रख लूंगा अपने दिल पे पत्थर। दो तीन साल में एक बार घर आने को मिलेगा, चलेगा। बच्चों को बड़ा होता हुआ नहीं देख पाऊंगा, चलेगा। कम से कम साले बड़े होकर ये तो नहीं बोलेंगे कि हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ किया नहीं। और भी तो कितने बाप लोग हैं जो अपने दिल पे पत्थर रख के अपनी औलादों से दूर रहते हैं। मैं भी दूर रह लूंगा। कभी कभी तो डॉट होता है कि भगवान है कि नहीं है? भगवान है, है? चाचा, चाचा। अरे आप मिल गए, समझो भगवान भी मिल गया। आइए 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 बैठिए बैठिए प्लीज। हे फारूक। जी बाबा। यही है क्या? जी बाबा। हाँ हाँ, मिला लो हाथ, मिला लो। आजकल तो बिना हाथ मिलाए नेता लोग देश भी नहीं चला सकता है, तो तुम्हारा लोग का लाइफ कैसा चलने वाला है? ए, तेरे को कितना मिलने वाला है? हाँ, 5 लाख। चलता है रे, तेरा 5, इसका 2.5, उसका समथिंग, उसका समथिंग, उसका है। तू कौन है? आई एम विष्णु परब। तो आई एम पुलिस ऑफिसर। अच्छा, रेवाड़े, चल चल। हाँ चल। हाँ, ए तू कौन है रे? मैं बोलना भाई। ये गाली बाबा है। इनकी जो गाली खाते हैं उनको और कुछ खाने की जरूरत नहीं चाचा। हाउ रोमांटिक। चलो बाबा, तारे आपरे आपरे जरा जल्दी चलो। क्या कर रहा है? यस, चलो इस नंबर पे फोन मारो, मेरे को इनके हवाले करो और अपना अपना भगवान को अपने घर लेके जाओ। चलो चलो। मैं समझा नहीं अंकल, फोन करो, हवाले करो, भगवान को घर लेके जाओ। डोंट प्रिटेंड विलियम, आई नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ मालूम है। अंकल चाचा, आई लव यू। भगवान को घर ले जाने का मतलब? तुम सब लोग का भगवान है पैसा, और ये इस पेपर के अंदर है। उस पे टेलीफोन करोगे तो नरीमन पैसा देगा, और आपस आपस में पैसा बांट कर अपने अपने घर को चले जाना। फिर तुम्हारा भगवान कौन? पैसा। और मैं तुम्हारा बम्पर ड्रॉ। ए गाली बाबा, तू किधर जाता है? मैं अरे मैं क्या करता है यू बाबा ब्लैकशिप, उधर ही खड़ा रहे चुपचाप, अभी तक मेरा बात खलास नहीं हुआ। चलनी बाजू हटी, बाबू की माफी, जेल लो बुड्ढे को, जेल लो बाजू। हां बाजू, बैठा अंधेरी पर बैठा।
आई नो तुम सबका ये पैसा लेने की पीछे इंटेंशन क्या है। चलो मुझे घर पहुंचा के अपना प्रॉब्लम से बाहर आ जाना। जिस गलती की वजह से ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ है, जिस दिन उससे बाहर आएगा उस दिन के बाद फिर कभी किसी पेस्तनजी को घर पहुंचाने के लिए पैसे का लालच नहीं करना। और ये फारूक, इसका सबसे बड़ा गलती ये है कि अपना बच्चे लोग को ये बहुत लव करता है, पर वो लोग का फ्यूचर सिक्योर करने की उसको चिंता नहीं है। जिस दिन वो अपना फालतू ईगो बाजू में रखकर अपना वाइफ का बात समझेगा ना, उस दिन वो सुखी रहेगा। विलियम ने प्यार में अंधा होकर अपना रिसेप्शनिस्ट लड़की पे भरोसा किया, इसीलिए धोखा खाया। और ये साला अंधेरीपुर अपना बहन को लव एंड केयर करने का दावा करने का गधेड़ा, वो उसका बचपन के अंदर दो बूंद पोलियो का जो पिला लेता होता ना, तो आज ये वक्त नहीं होता। अपना गवर्नमेंट साला बेचारा माथा फोड़ फोड़ के रिक्वेस्ट कर करके मर जाता है कि बच्चों लोग को ड्रॉप दे पोलियो का ड्रॉप दे। पर नहीं साला, तुम लोग अन्नारी इडियट कभी समझता ही नहीं, फिर ऐसा वक्त आता है भुगतने के लिए। हाँ ए सुंदरलाल, फिर आ गया। इधर आ, ये वही है सुंदरलाल। अरे इधर आ। तुम लोगों को पता है कि आप लोगों से इसने 25,000 रुपया क्यों नहीं मांगा? हाँ, इसने बताया नहीं। अरे तुम लोगों ने पूछा भी नहीं। ये अपना भाई को एजुकेट करने के वास्ते उसका अंकल के पास उसने 20,000 रुपये का कर्जा लिया। फंड मेरी बेटी के साथ उसका लगन कर देना, इसने ना बोल दिया। हाँ क्यों करने जा रहा है? काय को मना कर दिया, अच्छी बात थी। कर्जा भी उतर रहा था, लड़का भी घोड़ी पे चढ़ रहा था। अरे चुप, चढ़ रहा था उतर रहा था, बेवकूफ गड्ढा, बिल्कुल स्टुपिड टपोरी है तू। पहले उसको पूछ के इसने क्यों मना किया था। अरे बोल रे, बोल। ओ लड़की बड़ी रंगबाज थी। ओ, मतलब चंटालू। तुम लोग उसका बात सुनेगा कि नहीं, क्या उठ के वापिस में चला जाओगे? नहीं 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 नहीं, अभी वापस नहीं भागने का प्लीज। ये भारू भाव क्या, चुप बैठो ना यार। मैं रंगबाज बाबा? लड़की रंगबाज थी, पूरे गांव के लड़कों के साथ इश्क करती फिरती थी, इसलिए हम मना किए। तो चाचा बोले 20,000 के जगह शुद्ध मिलाई का 25,000 देना, वो भी 2 महीने के अंदर। अब हमारी गांव का हाल का बताएं, पूरे साल भी हम मजदूरी करते तो 25,000 रुपये नहीं जुटा पाते, इसलिए हम मुंबई चले आए। लेकिन वो मेरे को सच्चे दिल से अपना चाचा समझता था, इसीलिए उसने बोला कि चाचा को घर पहुंचाने का कीमत मैं नहीं ले सकता हूँ, ऐसा बोल के वो चला गया। मैं तो नहीं आने वाला था तुम लोग के लिए, पर इस गधेरे ने मेरे को इंसिस्ट किया और बोला। ओ बेचारा, विलियम भैया बहुत परेशान होंगे, उनके सर पे 10 लाख का कर्जा है, कर्जादार उनका तिया पाचे कर देंगे, टैक्सी वाले भैया का भी बीवी बच्चों का खुशी का प्रश्न है, और वो अकलाने वाला भैया का बहन का भी जीवन का प्रश्न है, वो सब आपके कारण ठीक हो जाएगा। भगवान के लिए चलिए चाचा। चाचा भैया, आप हमको माफ कर दो, आप तो संत आदमी हो। तू 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 लिख के दे देना है, तुम हमारे पास ही रहोगे यहाँ पे, ठीक है? तुम चिंता मत करो, तू ज्यादा मत बताना, कंफ्यूज हो जाएगा। चाचा, आपका बेटा आपको घर वापस बुलाने के 50 लाख क्यों दे रहा है? मतलब इतने पैसे क्यों? ये उससे पूछ कि मैं इतना कीमती क्यों हूं। लेकिन चाचा, घर से भागने की कुछ तो वजह होगी। तेरे को कौन बोला कि मैं घर से भागा? हा? अगर भागे नहीं होते तो अब तक घर चले गए होते। इनके साथ पूरा दिन टाइम पास नहीं करते। सभी शर्ट में दिमाग है वे। क्या बात है परम साहेब, पुलिस वाले हो ना। बाल की खाल निकालना बरोबर जानते हो। कुछ नहीं किया ना बेटा, मुझसे गालियां खा। मैं घर से इसलिए भागा क्योंकि मेरा बेटा मेरे को मारता था।
वो होता है ना बेल्ट, बेल्ट, ये बेल्ट किससे मारता था मेरे को? सटाक अरे खुदा बाबा बाप मारा बाला भी बरोबर से खाना भी नहीं देते थे वो लोग। जब भी खाने को जाता था तो हमेशा किसी ना किसी तरीके से मेरा खाना गिरा देते थे वो लोग। कभी कभी तो टॉयलेट का दरवाजा बाहर से लॉक करके दोनों काम पे चले जाते थे और शाम को आकर खोलते और बोलते, सॉरी पापा, शट द डोर बाय मिस्टेक। चलो अभी जाओ। ना मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने देते थे मैं अकेला पड़ गया था, बिल्कुल अकेला। और अकेला आदमी किससे बात करेगा? मैं छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशियां ढूंढने लगा। फिर मैं भी अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बेचारा वॉचमैन जैसा गरीब लोगों पे उतारने लगा और एक ही बात सोचता था कि मेरे से कौन सी ऐसी मिस्टेक हो गई जो मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा बैडली बिहेव करता था। और एक दिन इस बात का आंसर मुझे मिल गया। तूने फिर से पेपर पे साइन करने से मना कर दिया ना? हाँ। क्यों नहीं मानता है मेरी बात? क्यों नहीं मानता? हाँ। Listen to me, old man. Listen to me. If you don't sign on those papers, I will kill you. नहीं। I will kill you, you idiot. नहीं करवा लो। नहीं करवा लो। नहीं कर। नहीं कर से। I'm not going to do it. You're not going to do it. नहीं। I'm giving you one day. I'm giving you only one day, you idiot. नहीं। You sign on those papers. Nay. Or you're dead meat. Nay, guys. Nothing can happen. Nothing can happen. Nothing can happen. To do it. Why are you harassing me? Why are you harassing us? Huh? Ja. Kutra. Chali ja tu yehi. Get out from here. I don't want. I will kill him. I will kill him. What to hell? Nothing can happen. अभी अभी आपने कहा कि हम सब अपनी गलती की वजह से अपना कल और आने वाला कल खो चुके हैं, पर आपने तो कोई गलती नहीं की, तो फिर आपका बेटा ऐसा क्यों कर रहा था? नरीमन, मेरा बेटा नहीं है, मेरा क्लोज फ्रेंड होमी का बेटा है। मेरी कोई औलाद नहीं थी, मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। और मेरी वाइफ के गुजरने के बाद होमी ने नरीमन को मेरी गोद में दिया और बोला कि आज से नरीमन तारो निकरो छे। उस टाइम मेरे को लगा कि आई एम द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड, लेकिन अब लग रहा है कि मेरे से जास्ती बदनसीब इस दुनिया में कोई आदमी नहीं होगा, कोई नहीं होगा। नरीमन के इस क्रूर व्यवहार की कोई तो वजह रही होगी? हाँ, वजह थी। क्या? उसको 50 करोड़ रुपया मिलने वाला था। 50? या अल्लाह! चाच
अच्छा आपके पास इतना पैसा है? सॉरी मैं तो आपको फटीचर समझाता। अरे नहीं रे नहीं बाबा, मैं गरीब मानस, मेरा बैंक बैलेंस और शेयर्स और डिविडेंड पकड़ के शायद 30-40 लाख होगा। 30-40? लेकिन उस हराम के जने नरीमन पॉइंट के पास 50 करोड़ कहां से मिलने वाले थे उसको? मेरे बंगलों को तोड़कर उधर एक रेसिडेंशियल टावर बनाने का प्लान था, जो आजकल हर जगह पे कॉमन हो गया है। पर ऐसे ही एक बिल्डर ने नरीमन को 50 करोड़ रुपए का ऑफर किया, पर मैंने मना किया। आपने नरीमन के एक्चुअल फादर मिस्टर होमी को नरीमन की ये बात नहीं बताई? बताया, तभी तो मालूम पड़ा कि ये सारा डिमोलिशन और टॉर्चर का प्लान और किया कराया सब होमी का था। ओह माय गॉड, ये सब करा धरा मिस्टर होमी का था? यस, इसके पहले कितना पेस्टनजी का घर चुरा के होमी खा गया था। साला मेरे को बोलता है कि ये जूना टूटेला सरेला बंगलो तू मरने के बाद तेरे साथ में लेके जाने वाला है। अरे बिल्डर तेरे को 50 करोड़ रुपया देता है, 3 BHK फ्लैट लेके आराम कर, ऐश कर, क्लब जा, अग्यारी जा, मजा कर। साला बेवकूफ गद्दा किधर का। नरीमन के नाम पे वसीयत थी, हाँ, पर उस वसीयत में मैंने एक ऐसा स्पेशल क्लॉज रखा था जिसमें लिखा था कि जब तक नरीमन का बच्चा 25 साल का ना हो जाए तब तक नरीमन इस बंगलो का एक ईंट भी नहीं तोड़ सकता है, ना तो उसको बेच सकता है, बस सिर्फ केयर टेकर रह सकता है वो। और नरीमन का बच्चा भी अपने बाप की तरह बंगला तोड़ने का सोच लिया तो आखिर है तो सांप का बेटा, और सांप का बेटा यानी सपोला क्यों बाबा? बरोबर बोला। 25 साल तक मैं जिंदा रहने वाला नहीं हूं, मेरे मरने के बाद जो भी होगा सो होगा, लेकिन मैं ये बंगलो बेचने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। और इससे पहले ये कुत्ता लोग मेरे को पागल करके मेंटल एसएलएम में भेज के मेरा बंगलो खा जाए, मैं खुद कल शाम को घर से भाग गया ताकि नेक्स्ट स्टेप क्या ले सकूं। ये सोचते हुए नेक्स्ट मॉर्निंग मैं न्यूज़पेपर पढ़ते बैठा था, तभी तुम तीन लोगों को पैसे को लेकर लड़ते झगड़ते देखा, और तभी मुझे मालूम हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरी तरह और भी लोग दुखी है, और मैंने तुम तीनों के साथ इस जर्नी में ज्वाइन करने का सोच लिया। मतलब आप जानबूझकर मेरी टैक्सी के सामने आए थे? सॉरी, माफ करना। सॉरी क्या? अगर टाइम पे ब्रेक नहीं लगता तो मर जाता था। मेरी नालायक औलाद के हाथों से मरने से अच्छा है तुम लोग अच्छे दिल वाले हो, उनके हाथ से मैं मरूं। नरीमन ने तो मेरे को दुखी कर दिया था, पंडिकरा तुम लोगों ने भी मेरे को दुखी कर दिया। हा? परब साहब, मेरे को आपका मोबाइल चाहिए। न्यूज़पेपर में था। हाँ नरीमन, तुम पैसे रेडी रखो, मैं तुम्हारे पापा को लेकर आ रहा हूं। इधर इंस्पेक्टर परब गाली बाबा हरिचरण और विलियम को लेके उसके एसीपी के पास गया और नरीमन के अगेंस्ट एक्शन लेने का बात किया। और उधर फारूक मेरे को गैरेज लेके गया शैतान के हवाले करने। हम सब उसके इस हरकत पर शॉक थे कि इतना सब मालूम पड़ने के बाद भी फारूक पैसे का लालची कैसे हो सकता है। पर फिर जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था। Thank you.
ये आ गई दूसरी पार्टी। यही है वो दूसरी पार्टी। तू फारूक है? देखो यहाँ इनाम का पैसा को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है। वो दोनों कहता है कि उन्होंने मेरे पापा को ढूंढा है, और तू बोलता है कि तूने। तो अब हम क्या करें, तू ही बोल। तो उनको इनाम दे दे, कैश में या चेक में, अपन को कुछ लेना देना नहीं है। तू मेरे को खाली इतना बता कि तेरे को अपन से कैसे लेना है, चेक में या कैश में? ए बाबा, व्हाट डू यू मीन? इसकी मतलब कैश में चाहिए तो मैं तेरे को इधर ही मारेगा, और चेक में चाहिए तो यहाँ से उठा के कहीं और ले जाके मारेगा। फैसला तेरे को करना है, जल्दी जल्दी फटाफट बोल, टाइम नहीं है अपने पास। भैया इनको कैसे ही दे दो, और थोड़ा कम पड़ेगा ना तो हम दोनों दे देंगे। ये महाराष्ट्र और यूपी बैंक का नोट एकदम कड़क रेडी। क्या बात करता है, चेन्नई एक्सप्रेस बन के मारूं या बाहुबली बन के मारूं, मारूंगा ऐसा मद्रासी फिल्म की तरह उड़ेगा। अरे वारे मेरे छोटे दबंग दबंग, अभी देखो सिंगम। साला जो देखो सुबह से मारे जा रहा। अरे गजरा सुंदर, इसको क्या मारता है, वो तो ऑलरेडी मरे ले। उधर जाके उसका हरम खोर बेटा को जाके मार, जा जल्दी। ये ले साले। क्या मायला है? ए यंगरी यंग मन, तेरे काय को भेजा था इधर, वो भी ना बटाई। हम सोचे भैया जब मार रहे तो हम बीच में काहे को दे। मेरे को शिंदी प्लीज प्लीज मेरे बेटे को बचाओ, प्लीज प्लीज प्लीज, अरे मार रहे मेरे बेटे को बचाओ, प्लीज 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 डू समथिंग यार, प्लीज मेरे बेटे को मार रहे वो लोग, मार टाइगर से पाला पड़ेगा। अब ये कौन सा स्टाइल था बाबा? ये राजपाल यादव स्टाइल है भाई। सो नाइस, पर इन सब के पास पैसे कहां से आए? मैंने दिए पैसे। ऐसा है ना अनुप्रिया, कफन में जेब नहीं होती है, हम मरने के बाद अपना जो भी चीज है वो साथ तो ले नहीं जा सकते, तो इधर इस दुनिया में किसी और के काम आ जाए तो हमें प्रॉब्लम सूचे। और आपने इन सबको अपने बंगले में भी रख लिया, ग्रेट। कुछ ग्रेट नहीं है, मेरा पापा बोलता था कि निकरा तेरे को पता करने का है कि तू कितना अमीर है, तो
तो तेरा बैंक बैलेंस और प्रॉपर्टी नहीं गिनना। सिर्फ तेरी आंखों से एक दो आंसू बहाकर देखना, तेरी आजू बाजू तेरे आंसू पोंछने वाले कितने हैं। इसीलिए मैंने मेरा बंगलो ट्रस्ट को दे दिया है और केयर टेकर बनाया है मेरा इन सब गरीब दोस्तों को। गुड। तो अभी मेरा स्टोरी भी खल्लास और मेरा शूटिंग भी खल्लास। हाँ फिनिश, लाइट्स ऑफ। एक्सक्यूज मी सर, नरीमान और नौहित का क्या हुआ आपने बताया नहीं? ये बात टेलीविजन चैनल पे नहीं बता सकता है, थोड़ा सीक्रेट है। मैंने क्या किया, नरीमान और नोहित को अपना अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगा के जेल में अंदर करवा दिया और मेरा बदन के ऊपर चाकू मार के लगा के केस बनाया। शैतान को हराने के लिए कभी कभी शैतान की चाल चलने का जरूरत पड़ता है। और ये आइडिया मैंने इंस्पेक्टर परब से हो गया। बाबा अब सब मस्त है, फालतू में इनका और हमारा अच्छा हो गया। इधर ध्यान दो, अपना चुप 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 मत करो। ये है वामन। हेलो। हाँ हाँ, मिलाओ मिलाओ, काय को शर्माता है। और ये हरिचरण। हेलो। और ये है इंस्पेक्टर परब, पुलिस वाला, वो जो चाकू वाला, चाकू। हेलो। चलो अब मैं तुमको सुंदर फारूक और बाबा से मिलवाता हूँ। वामन भालेरा। हम सुंदरलाल, गांव पिपली। कचौली कचौली, सॉरी सॉरी, मुंह से निकल गया कचौली। तो आप फिलहाल अभी होटल चला रहे हैं? जी जी जी। जी जी जी। वो क्या है कि पारसी चाचा ने होटल खुलवा के दे दिया ने, वो तो अब एक मिनट। ओके। बाबा ने सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ दो चीजें नहीं छोड़ी, एक हुक्का गुड़गुड़ाना और दूसरा जो है के। खुद ही सुन लो। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं तुम्हें क्या होटल में अपनी पड़ोसन नचवाने के लिए रखा है भांडू? मैं इंटरव्यू दूं कि तुम्हारे होटल के झमेले झेलूं भूतनी के? फोन रख मादरजात। तो क्या कह रही थी यार? पैक अप, फिनिश। अरे बाबा का खत्म कहां हुआ? अबे भूतनी के। जी बाबा। एक बात बताओ बे। जी बाबा। अभी तो चिलम गरम भी नहीं हुई थी, ये काली डंडे वाली कहां चली गई बे? हमने कुछ गलत कहा क्या? नहीं बाबा, हमने तो कुछ भी गलत नहीं सुना। अच्छा। ए मैडम, बाबा को लुक्खा समझाए क्या? आके ख्वाबों में चले जाते हो, आके ख्वाबों में चले जाते हो। खामखा क्यों मुझे सताते हो, खामखा क्यों मुझे सताते हो। मुझसे चाहत है खबर, तुमको भी मुझसे चाहत है, फिर भी क्यों नजरे तुम चुराते हो। खामखा क्यों मुझे सताते हो, क्यों मुझे सताते हो। बस हवाओं में उंगलियों से चेहरा तेरा बनाता हूँ, बस हवाओं में उंगलियों से चेहरा तेरा बनाता हूँ। हाल कोई जो मेरा पूछे तेरा
सुनाता हूँ। अब तुझसे मिलके ये कहना है दिल से कि तेरा ही होना, तेरा ही होना। वादा मिलने का भूल जाते हो, खामखा तुम मुझे सताते हो, सताते हो। कहना है तन्हा न रहना, तुझको ना खोना, तुझको ना खोना। इकरार में क्यों इतना इतराते हो, खामखा तुम मुझे सताते हो, क्यों मुझे सताते।